इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बहुआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर, काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले, तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाए। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा मैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाए। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस टू पंजाबी विच गल करन ले, 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी, क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ, तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है, अच्छा तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ, टू। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ, एक दबा रहा हूँ टू। टू नहीं, आपको दबाना है फिर, टू मुंह अच्छा से बोल भाई रहे हो। मैं तुम साहब, दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है, जो बात करनी वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे, मैं आपने हिंदी बताया, दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बढ़िया, एक दबा दिया। हाँ अगर आप जी, चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं, नहीं चाहते हैं तो दो दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, आप कम हो चाहते जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए, तो आप एक दबाएं, वरना दो दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया, आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं, अगर आप जॉब करते हैं तो दो दबाएं। ही दबाऊंगा मैं। हाँ अच्छा, आपकी दुकान है? जी, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं, अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो दो दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। लो, अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर तू आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं, अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो दो दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1.5 लाख रुपए, एक देता हूँ। लो, अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो दो दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं फिर भी 18-24 के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी, मेरी बात, बहुत औकात है मेरी, तो है कौन तेरा? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू फोन काट नहीं, तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं, तू पिटर। सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूंगा। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, क्या बात है भाई साहब, कौन? क्या बात है भाई साहब, आपका हेलो और कौन, दो शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का कौन विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश झलक, नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता, हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूं फिर, वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। क्या नमस्कार, कह रहा है? हाँ मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं, इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा, भौंका ना? क्या फोन, क्यों फोन किया? क्या, तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए, तो तू पे तो तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है, गलत पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ। के मन लिए, रखने के लिए तो हाँ तो भाई साहब मन आप, रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो तूने आपको सच सुनना है क्या? उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना, सुना सच। एक नंबर के घटिया जबान वाले इंसान है आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ क्या है? देखा,
ये संस्कार है आपके। फोन करके आया तो तेरी क्या मेहनत की है? संस्कार देखिए अपना संस्कार के आज सामने आ जाए डंडा भाई साहब, कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको। मजाई बात यही मैं कह, अब सच आपसे सुना नहीं जा रहा है, सुनिए सच आपसे सुना नहीं जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तू इंसान गलत आदमी कहाँ जावे इंसान बताइए भाई साहब, न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अब आप ही बताइए। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, डेढ़ मिनट से आधे नहीं लेगे अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है बताओ। बताइए रहे पकौड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकौड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? पास है पकौड़ा, ये क्या ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी? देखिए पकौड़ा जो है, हैं एक मिनट भाई, अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल, स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। एक मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देन है? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ, सही में बेसन रख लिया। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतता है तो इसे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय की साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब बताओ? पकौड़े। भाई साहब क्या कह रहे? चल ठीक है, टुकड़े रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्जवल मिश्रा हमारे साथ थे, कट गया इनका फोन। चलो चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजी विशा नगर में। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ भाई, सॉरी थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना फिर दवाई लेकर आ? नहीं थी दवाई की बात रही है, जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। छुट्टी नहीं ले पाता है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई, किससे बात करनी है? मरीज, सॉरी भाई गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा तो क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, बांस। बांस मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। बांस से बनती है बांसुरी। बांसुरी से निकलती है धुन। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या बात कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकंड बजाते तो लोग म्यूजिक भी है। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की, भाई सब सुन रहे हैं। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। सुनिए, लोन का होता है EMI, और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा EMI, और EMI ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको EMI भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस EMI के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से EMI को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं?
अबे रख तो यार, जब भी आप बांस देखिएगा आप EMI को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 जेटवेल सुन। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते आप। हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है, आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ। अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? आपके होंठ के ऊपर अगर मुँह चाहते उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकेंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुँह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज कान की कसम तक खा लेता हूँ। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुँच गया हूँ, आपके पेट की कसम। कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। भाई पागल है, मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? आप गलत बोल रहे हैं, पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप। एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं, जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांग से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं, ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ, हाथ में पांच पांच उंगली, अगर रीटी होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, क्यों घुटने की कसम? एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके अंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ, इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा, पीछे फिर जांघों तक पहुँच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। भाई तू पागल है क्या? फोन है तू? तेरा आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की, बाल की, बाल के अंदर जुओं की, जुओं ने खून जो चूसा है आपके, उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो चूस रहा खून, बेमतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम, अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेगी। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल रहे नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब, आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं। 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, एक सेकंड लगेगा, मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ, पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं, समझदारी से नहीं निकलते, उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे हैं। हाँ, बाप की सड़क है, उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं, अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा, क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है? कौन है? यही डायलॉग मारते लोग, कि तू जानते है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते, पुलिस भड़क जाएगी, पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी, आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू करेंगे, समाज। अच्छा। पूरा मोहल्ला। अच्छा। और जब इतने अच्छा। लोग थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग अच्छा। थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी अच्छा। बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ।
हेलो मैं बउआ अंकिल नमस्ते, एक मिनट चाहिए था आपसे। हेलो मैं आपसे बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या देखो सही मिला है तो नहीं मिला? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, सही के बाद बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो ऐसे देता है कोई, कौन मैनेजर लग रहा है? आपका बैंक में अकाउंट है ना, तो लास्ट 3 डिजिट 783 है, तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब के बाद कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना। हाँ हूँ मैं, इंजीनियर। मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूँगा, सिर्फ सेविंग की बात करूँगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना। हाँ तो हाँ हाँ तो ये तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या होगा लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से कर लेने देना तुझे, तो वही था तो पहले तो आइए बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे, फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन क्लिक कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से। हमसे क्या लेन देना इसका? बता 783 एंड में ना आपका अकाउंट का। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है, लास्ट ट्रांजेक्शन जब आपने किया था। हाँ तो एक सेकंड एक्सक्यूज मी, तो हेलो हेलो वो तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिए क्या? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो गंजी बात कर रहे हैं 93.5। मतलब बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है, बता चुका हूँ मैं आपसे, एक मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक दो चीजें नहीं बदली हैं, एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज जिफ्स वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूं इसमें? गलत बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा यार मेरे मैसेज का? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली, ये रखूं डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें भी एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मंगल मैं हूँ आपका होली का त्योहार, ये रखूं डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। ओ वाह, वेरी गुड, धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से। हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। एक सुनो ये, देखो ये बहुत लंबा आया है, लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो, सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं अभी तो और है, लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है, इसे तो पक्का अपने काम आएगा।
एक आगड़ी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको, अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुई? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या लीजिएगा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है, कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी गलत बोल रहा है, बात करता है चीची बोलता है 93.5 FM बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है आपसे? मैं कह रहा था जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ, लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे फिर? पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे, तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। गिव मी वन मिनट। कैसे प्रूफ? एक सेकंड बता रहा हूँ। देखो, आप अगर गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा, तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं सुना? तो जब आपको पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ, और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ, फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो है? है? अभी अच्छा। जब पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा, हाँ, फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना, 400 ग्राम का फुर्र करके उड़ गया कहीं। एक सेकंड, तो मैं कह रहा था आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे, हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए। ओए होए होए होए, क्या बात है, और क्या बात? बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने सक्सेसफुल अच्छा। हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, तो एक फैन का सैक्रिफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील, कैसे लगा? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा, साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत किसी और कुछ आती तेरे को? अरे पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। चीची बोल रहे 93.5 FM बहुआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो, कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ। किससे बात करनी है आपसे? एक मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, प्रेशर से भला हुआ है, एक एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बताओ, काम क्या है? एक सेकेंड, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया। हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। एक सेकेंड, हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई की, अच्छा, पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहाँ से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था, अच्छा, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा, घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे एक सेकेंड, मुझे नहीं, एक सेकेंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया, अच्छा, उसका और प्रेशर, फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया, अच्छा, अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है, दूध, हाँ, प्रेशर में। अब सुनो यार, क्या एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन जैसे मलाई, लस्सी, छाछ,
छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए, ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है, तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था, अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव, फिर क्या हुआ, फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। ओ। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब है कि नहीं, तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या करोगे, तोड़ दूंगा अगर फालतू बकवास की ना, समझ गया, गलत बोल रहे आप, गलत नहीं बोल रहा मैं, सही बात बता रहा हूँ, मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं आऊंगा भी वहाँ पे, खत्म, चल गलत बोल रहे, फोन काट दिए, 93.5 एफएम बजाते रहो, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का, अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है, सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ, हेलो अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते जी, जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, हेलो, मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब, नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए, हेलो, हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई, आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे, हाँ जी, तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं, बकवास बंद करो, मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जब इंसान धरती पर नहीं थे, हाँ जी, तो धरती पर क्या थे, चूहे थे, अरे यार उसके अलावा बंदर थे, बंदर, बंदर नहीं थे, उसके अलावा डायनासोर होते थे, वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी फिर भी आप बोल रहे चूहे और बंदर, एक थे कि बाबा, मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे आपकी आंख के सामने आएंगे, आप बाइक चलाओगे आंख के सामने बाल आ गए आप किसी को ठोक दोगे, सुनो हंसो मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो, जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है दो इंडिविजुअल की लड़ाई, दो कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए, अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, और दो लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच दो लड़ाई हो जाए, जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म, और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे, डायनासोर, ये फिर आ जाएंगे भाई साहब, भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने, सुबह सुबह आप, मैं आप, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए, आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपनी धरती को बचाइए, आप 93.5 बहुआ बजाते रहो, अंकिल नमस्ते, ले लो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है, सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ, हेलो, हेलो, हाँ जी, जी बात कर रहे हैं, हाँ जी, मेरी जी है ना जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड है अविनाश जी, हाँ जी, हाँ जी, वहीं से नंबर मिला है, से बात कर रहा था जी, मैं नमस्ते, एक बार दोबारा बताएंगे, हाँ वो एजेंसी है ना वहाँ से, हाँ, तो क्या है ना हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है, आप भी सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलो करते हैं, हाँ जी, तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है, नहीं ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत, आप बताइए क्या हुआ था, नहीं जैसे अभी श्रीदेवी जी का हुआ ना, हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ, तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया मतलब हर चीज कि कब उनको क्या डेट हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका उनका बॉडी वहाँ से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं, तो आपको आपको काम चाहिए तो बता दीजिए, नहीं तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाहिए, हाँ है मेरा चैनल में एक दो, मतलब कि एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी, आप बताइए आपका क्या काम है, मेरा काम ये देखो ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है, ओके, तो हम क्या करते हैं ना, चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले, अच्छा, तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ आपने देखा, तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं, कॉमन आदमी के लिए, जैसे सपोज इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला, ओ, ओ, मेरे पे क्यों जा रहा तू, हैं, मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है, मेरी फैमिली में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है, चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना, तो सपोज मेरी मम्मी,
मर जाए। हेलो, नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जांपल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे और उस सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो, हाँ जी हाँ जी सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे और क्या ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं क्योंकि जलना तो है ही ना, देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या बर्फ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे और उनके बगल में खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ कि पापा एक बात बताइए कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद, 3 दिन हो गए आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहां बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा। इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो है सुन रहे हैं, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा राइट। हेलो हेलो, हाँ तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हजार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई सर पे लगा ऐसे, तो क्या होगा और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, तो क्या ना नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब, तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500,000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को, तो ये लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे, वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी, नहीं हैं, तो ऐसे किसी भी किसकी भी फैमिली का कर सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल मैंने अपने लिया है राइट। तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते, बताओ, बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं क्या, तो नहीं कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, ठीक है पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी आप लोग भी 93.5 FM बजाते रहो, मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या हम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बताइए तो। आप तैयार हो तुम शुरू करें? शुरू करना चाहते हो? हाँ जी, हर शुरू करोगे? ये शुरू हो चुका है, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ एक मुद्दा लेते हैं, मुद्दे पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट अपनी राय देता है, जनता के प्रतिनिधि आप। आप प्रतिनिधि बन के कोई सवाल है? मेरे पास कोई सवाल नहीं है भाई साहब, प्लीज 2 मिनट, आप जनता है ना, 2 मिनट। कोई सवाल तो होना चाहिए पूछने के लिए, मैं कहाँ से चर्चा तो सुन लो पहले, सुन तो लो। हाँ बोल। हाँ बोल बोल। मेट्रो में जब हम ट्रेवल करते, भाई साहब आप भी गए मेट्रो में? हाँ गया हूँ। अक्सर एक अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण ध्यान दे, कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहें। दूर, इसके पीछे की कहानी क्या है बैरागी जी, आखिर क्यों? तो मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब इससे, इससे बैरागी जी से पूछा जो सॉरी मुद्दे पे आते, पीली रेखा की आप सुन तो लीजिए। अच्छा, कहानी तू आगे बता। हाँ, हाँ, बता पीली रेखा क्यों बैरागी जी? पीली रेखा की कहानी बहुत ही इतिहास में मैं कहूँगा पहली बार मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ, करिए। ठाकुर गुलबदन नागर की बेटी रेखा, वाह, अपने आप में गांव में पढ़ने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़की। ये कौन सी नई रेखा है? सुन तो लीजिए ना, बोलिए। ठाकुर गुलबदन ठाकुर से गुजारिश करने के बाद रेखा ने पहला तबादला अपनी नौकरी जो पाई गुजरात में पाई। कुछ दिन तो गुजारना चाहती थी वो गुजरात। गुजरात में नौकरी पाने के बाद रेखा खुद परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक पार्टी एनिमल जो था वो पनप रहा। हाँ, और गुजरात का इतिहास पढ़ के आया क्या? उसके अंदर पार्टी एनिमल था, तड़प रहा था, और गुजरात में बैन है ना जी, वो बैन है, बोतल में जो सामाजिक बुराई मिलती है जो है गुजरात में। हाँ, उसके बाद वो पटना गई, पटना, और आजकल बिहार में भी मादकता बंद है। हाँ, भाई साहब बिहार में भी बंद हो गई दारू, पता। हाँ, तो वहाँ भी वो रेखा परेशान रहने लगी, रेखा के अंदर का पार्टी एनिमल वहाँ भी शांत नहीं बैठा। फिर उसने
रेखा ने निर्णय लिया कि 10 दिन की ट्रेनिंग पर राजधानी दिल्ली आएगी। तो मैं क्या फोन करके बताया था रेखा ने? एक सेकेंड रुको ना, जैसे ही राजधानी दिल्ली आई रेखा, हाँ, वहाँ से रेखा के मन में आया तुम दोनों एक सेकेंड रुकिए, वहाँ पे रेखा ने पार्टी करी। पार्टी करने के बाद वो सामाजिक बुराई कंज्यूम करा, उसके बाद वो मेट्रो में। मेट्रो में क्यों गई? क्योंकि गाड़ी पीकर नहीं चला सकती। नहीं चली, सामाजिक बुराई ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी मेट्रो में बैठी पूरी मेट्रो महकने लगी क्योंकि बदबू आ रही थी। बिल्कुल आ रही थी, तो एक आदमी ने बोला पीली रेखा, पीली। वहाँ से पीली रेखा से सब दूर रहने लगे क्योंकि बदबू आ रही थी। बदबू आ रही थी। एक सेकेंड, यानी उसने पी ली थी इसलिए लोग उससे दूर रहने लगे। एक सेकंड, बेड़ा की जिनका नाम क्या है? बेड़ा गर्ग इनका नाम है। क्या बेड़ा, आप बेड़ा गर्ग गए? मेरा बेड़ा गर्ग, मैं तुम्हारी जहाँ बैठे वहीं पे। बस करिए, बैरागी जी को नहीं बोल सकते आप गंदा। बेड़ा घर का फोन रखिए। बैरागी की तरह करिए चर्चा, यही खत्म। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी मचानपुर गांव से। हाँ जी, ककड़ी के खेतों में स्प्रे करने वाली कुमारी सियानी टिमसी लिखती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिमसी जी एफ से रॉकिंग। हाँ ना भाई, आवाज ही नहीं आई थी। हेलो भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, बात बताइए। बात बताइए, क्या बात बताइए? कहाँ पर हैं आप? 2 मिनट मिल सकता है क्या? 2 मिनट नहीं, 10 मिनट ले रहे तू, बात तो बता क्या बात है? बात ये कह रहा था कि इंसान जिंदगी में जो भी करता है किसके लिए करता है? पैसा के लिए। पैसा के लिए, मुँह खोल दिया पैसा के लिए। दाल में चुपड़ के पैसा खाएगा तू? है अबे तू बात बता क्या बात है? सब्जी, बात बता। सब्जी के साथ पैसा खाओगे? 10 रुपए का नोट लिया, सब्जी में लगा खा लिया, ऐसे खाओगे? तो तू खा ले, तू नहीं। हेलो सॉरी, मेरा कहने मतलब है रोटी के लिए, पेट के लिए करता है ना? और पेट के लिए, रोटी के लिए इतना टेंशन ले रहा? आप भी काम पे जा रहे हो कि नहीं? काम पे जा रहा हूं। काम पे जा रहे हो, यानी रोटी इंसान को टेंशन देती है कि नहीं? बहुत ज्यादा। लेकिन हमने इस चीज को बदल दिया है, हम रोटी के बात पे लोगों को हंसाते हैं, खुश करते हैं, रोटी के चुटकुले बनाते हैं। रोटी के भी आते हैं चुटकुले? हाँ ठीक है, सुनो देखो, गरीब को रोटी खिलाना और अमीर आदमी को जिसके पास स्मार्टफोन है उसको वाईफाई का पासवर्ड देना पुण्य का काम होता है। अरे तू वाईफाई का? अरे सॉरी, मैं ये कह रहा था, आप नॉन वेज खाते हो वेज खाते हो? मैं वेज खाता हूँ, प्योर वेजिटेरियन। फिर भी आप चिकन के साथ रोटी खा सकते हो, कैसे पता है? कैसे? एक मुर्गा पकड़ लो, अपने साथ 2 ठे रोटी रख लो, एक निवाला खुद खाओ, दूसरा उसको खिलाओ, खा रहे हो चिकन के साथ रोटी? तो वैसी खाते खाएंगे। सॉरी, मेरे दादा ने पता है क्या कहा? क्या कहा? एक दिन मुझसे बोलते हैं मग्गे में मेरे दांत रखे लेटा। मैंने बोला तो क्यों, रोटी खानी है? उनने बोले नहीं, सामने वाली बुढ़ी आंटी को स्माइल देनी है। उस बुढ़ाऊ को बुढ़ापे बुढ़े, चल तू भी बुढ़ाऊ होगा, मैं साले तेरे को इतना मारूंगा। तो एक सेकंड रुक, और एक बताते हूँ रोटी पे। एक मैथ्स का टीचर था, वो टीचर गया होटल में, उसने खाली रोटी ऑर्डर करी और कटोरी में दाल नहीं थी। फिर वेटर ने पूछा इसमें दाल नहीं, आप कैसे खा रहे हो? वो कहते हैं मैंने सपोज किया है, सपोज इसमें दाल है। मैथ्स का टीचर था ना, सपोज करता था। मैथ्स की मैथ्स को क्यों गाली दे रहा है? तो सेकेंड, एक आखिरी सुन ले। नहीं सुनना प्लीज, सुनना गलत नहीं, खींची बोलो मत प्लीज अंकिल। चल बता, जल्दी बता। मेरे पापा के दांत टूट गए थे, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोले दांत कैसे टूटे? मेरे पापा ने बोले मेरी बीवी ने बड़े सख्त रोटी बनाया था। तो तेरे बाप को नहीं खानी चाहिए थी? डॉक्टर ने भी मेरे पापा से ही बोला कि आपको नहीं खानी चाहिए थी, मना कर देते। तो मेरे बाप ने मना ही तो किया था, तभी तो दांत टूट गए। अबे ये तुझे मैं ही मिलाऊं। हेलो, अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद देगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हाँ फोन लग के। हेलो, हाँ जी मोहन भाई साहब, मैं बहुआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया मेरे भाई साहब। एक सेकंड रुकी, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार हैं? इस चीज के लिए, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़कर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पूरा पालन करते हैं। तो मेरे को क्यों चुना भाई साहब? इसके लिए देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, झाक कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने।
अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार, आपको मुबारक भाई साहब, आपको भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे तो पटाखे छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, पहला सवाल तो ये बैरागी। पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे, बैठाएगी जी बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को, फिर बाद में अपना भाई साहब आगे लगे। तो पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम क्रैकर के बारे में बात करें तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा भाई साहब? आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं, बिल्कुल। तो बताइए बैठाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा एक सेकेंड गले पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। वाह, मेरा शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकेंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं है रॉकेट क्यों? हाँ बतावे मेरा की। देखिए, रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र? अच्छा, कहता क्या है कि अगर ऊपर जाना है हाँ, तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। डू नॉट ड्रिंक, गलत मत बोलिए भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे। आप बड़कल बब्बू हैं? फोन नहीं करता बेटा जी। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी, सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से। अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप वटी सांप की जो गोली होती है उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती है। यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग। सिप्पी जी एब्सोल्युटली रॉकिंग नहीं होता, हैप्पी दिवाली आपको। हेलो, हेलो जी, नमस्कार अंकिल। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं, और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किससे बात करनी है आपको? आप तैयार हैं तो हमें आप ही से बात करनी है। तैयार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए, एक बहुत बड़ा मुकाबला हर हफ्ते। हेलो, कौन सा मुकाबला? इस पे चर्चा होती है किन्हीं सामाजिक पहलुओं पर, और एक आदर्शवादी एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हमारे साथ होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता की तरफ से हर हफ्ते होते हैं एक प्रतिनिधि। बैरागी जी कौन है? ये एक्सपर्ट है हमारे। इस चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपनी हामी भरिए। और अगर शामिल नहीं होना चाहता हूँ तो? यार, कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति? अरे भैया, क्या क्या जिम्मेदारी है? बैरागी जी जी, आज की चर्चा का विषय है कि उल्टा चोर जी कोतवाल को डांटे। ये मुद्दा है, बचपन में पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? क्यों, क्या हुआ? मुहावरा है भैया, मुहावरा। तो मुहावरा भी एक मुद्दा नहीं बन सकता? मुहावरा मुद्दा कैसे बन जाएगा? ए, गंदा बोल रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बैरागी जी, इनके अपशब्द के लिए मैं माफी चाहूंगा। तुम दोनों नहीं, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी है। ये तुम्हारा जो मुद्दा है, दिमाग की करेंगे, दिमाग का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा सा ब्रेक, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? पहली बात ये है, बता। हाँ बताइए, पूछ। पहली बात ये है कि डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत। बहुत बड़ा खुलासा, डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत नहीं है। बचपन में आपने कुछ भी चुराई, छोटी मोटी चीज, वो आपके पिताजी डांटते थे, क्या वो कोतवाल थे? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, वो कोतवाल तो नहीं। एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक और स्वागत है फिर से। बार बार ब्रेक ले रहे हो, एक छोटा ब्रेक अपने में भी ले लो। नहीं, बैरागी तो नहीं, गंदा मत बोलिए। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? उल्टा क्यों? देखिए, चोरी करना घिनौना काम है। भाई साहब, आप लाइन पे हैं? बकवासी करो लांटी हूँ। रूठिए नहीं, चोरी करना घिनौना काम है, और जिससे कि चोर चोरी करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक काम ही नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपना मुंह छुपा लेता है। एक सेकंड, जैसे ही वो उल्टा होता है वो कमर दिखाता है, पैर दिखाता है, टांगे दिखाता है, पीठ दिखाता है, पीठ दिखाता है। भाई साहब, ऐसे तो भी दिखा सकते हो? वो तो दिख ही नहीं रहा, आप देखना ही वही चाहते हो, तो वो देखना। तू जैसे ही वो उल्टा होता है वो कोतवाल को डांट देता, बिना मुंह दिखाए। इसलिए डांटता है। बड़ा सवाल इस जागरूक नवयुवक का फिर से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ, जनता के प्रति। आप पूछ रहे हैं कि वो कोतवाल को क्यों डांटता है भैया? क्यों डांटता भैया? देखिए, मैंने बहुत सी चीजें बता दी है हाँ। इनका जो बेहुदा सवाल है उसका ठेका नहीं लिया हुआ। चपलेस जी, ये इतने सवाल अगर आपको पूछने हैं तो जाके सीबीआई में भर्ती हो जाइए। कौन चपलेस जी? चपलेस कौन है? चपलेस इनका नाम लिस्ट में दिया हुआ। चपलेस चंद, आप ही हो गया। आपको अगर बोलना है बैरागी जी बात करिए। जी बोलिए। बैरागी जी क्या बात करेगा, तेरी काट दूंगा। बैरागी, बड़ा अच्छा बोलते हो, कहीं भाषण क्यों नहीं देते?
को देख रहा हूँ, सुन नहीं रह गया। चपलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चपलेश होगा तेरा बाप। फोन कट गया। अगले हफ्ते फिर से इसी चर्चा में मुलाकात होगी। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बबुआ और कैमरामैन प्रकाश लोसन। और विजय जी देश से बाहर चले गए, इसी बात पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है, हेडलाइंस भी बन रही हैं। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ इसी बात पर चर्चा कर सकते हैं? यही टॉपिक मिला और क्या मजे लिए बउआ और बैरागी जी ने मिलके, सुनिए। हेलो, हाँ जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन जी? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? कौन? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होते हैं परम ज्ञानी। अब किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आपको। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। पता नहीं उसके लिए नहीं, इतनी तो? इतनी तैयारी नहीं इसके लिए। एक चर्चा होती है हर हफ्ते, जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है क्या? अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अब क्या? एक छोटा टॉपिक होता है, प्लीज बता। इन्होंने बता बोल दिया। और भाग लेने से एक याद आया, इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स, वो भी भाग गया है। कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन? वो जिसके ठेके चलते हैं। सर आपकी कंपनी है, ठेके तो गरीबों के होते भाई, उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं तो वो भागे क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अब उसने कर्ज लिए ना बैरागी, क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक आप सुन तो लो, दो मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दे। नया ही बताऊंगा। हाँ बताइए बैरागी जी। देखिए हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है। हाँ? फिर शराब आदमी को पीती है? नहीं, पता नहीं, है। नहीं ऐसा नहीं। फिर आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा। तो उस आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय मान लिया। आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय माल लेने गया है। माल लिया तो पहली बार शराब बेचने वाले का घर उजड़ गया। पीने वाले का नहीं भाई साहब, ध्यान देने वाली बात है। बड़ा परम ज्ञानी नहीं लग रहे आपको बैरागी जी? बैरागी जी को डंडा देकर निकाल लूंगा सारा ज्ञान। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है। धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है। कौन सा मछुआ? राजा मछुआ। ये क्या है? किंग फिशर है। अच्छा। जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो वो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत करते हैं आराम से। क्या बात है, मतलब बैरागी। बहुत बढ़िया बैरागी। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई साहब? भाई साहब टीपू झनकाटे हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? टीपू झनकाटे नहीं है साले, तेरे को बहुत मेहनत का काम होगा। बहुत बढ़िया। बस करिए, गलत बोल रहे बैरागी जी को। इतनी देर से बकवास कर रहा है, फोन काट रास हो। हेलो भाई, भी किया इस बार टीपू झनकाटे ने फर्स्ट टाइम फोन काटे बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी का है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह पेंजोरिया, आपने सुना? ओ मैं अभी जस्ट सुना, अभी अभी। पेंजोरिया की राजधानी से पुरानी नेल पॉलिश उतारने वाली जेंगो फंटासा कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग जेंगो फंटासा, और अलग सा एक चुंबन बनाया स्माइल। फंटासा जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। बहुत शुक्रिया फंटासा। मतलब ये डायलॉग अक्सर सुनाई देता है। एक सेकंड, मतलब ये बोलते हैं ना ऐसा, मतलब कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, सुधर जाओ। तो इसी बात में बहुआ ने मजे के लिए सुनी। हेलो, नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल कौन? अजी नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं। नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता? जी बहुआ बोल रहे हूँ। बहुआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? दो मिनट दे दो अपना काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि आज अगर मैं बोलूंगा तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? तो काम तो बोल, तभी तो पता चले बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, तेरी से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल, इतना जल्दी में क्यों? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है, फोन करके दिमाग करना। जल्दी बोल। जी सर, तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा? नहीं। फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। आप बोल, जल्दी बोल, पंखा नहीं है तो। सुन तो, पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ? हाँ पंखा नहीं है। आगे तो मैं तेरे से पूछ रहे थे कि क्या? हाँ तेरे घर पे? हाँ पक्का बोल दूँ ना? बोल, जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सॉरी। आप बोल, मतलब सीट पे एक डांट की बात है?
मैं आपकी बता मतलब तेरे घर पे माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या दोबारा बोलियो? नहीं दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है, जल्दी बोल दो। तेरे घर पे माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? बिना माँ के पैदा हो? इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं, तू ही कह दे बोल दे बोल दे। इसीलिए मत बोला कर, इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है, माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊँगा क्या? लेडीज लोग रहती है तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। चल अंकल पागल भाई, एक सेकंड। हेलो रौनक के साथ गुड मॉर्निंग सुपर 3.5 पर स्वागत है आप सभी लोगों का। और भैया मेनका गांधी जी मैडम जी ने, मिनिस्टर मैडम जी ने दिल्ली मेट्रो से गुजारिश करी है कि क्यों ना एक ऐसा रूल लाया जाए जहां पर अगर 8 डब्बे की मेट्रो है यानी 8 कोच की मेट्रो है तो उसमें से 3 कोचेस सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाए, जिसमें से पहला डब्बा, आखिरी डब्बा और बीच में एक डब्बा। इसी बात पर एक भाई साहब इतने फ्रस्ट्रेट आ गए ये खबर सुन के कि हमको फोन लगा के कहते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं महिलाओं के लिए एक डब्बा बड़ा है, चलो जी मैं मानता हूं डब्बा बड़ा है, तो ये मेक श्योर करिए कि वो हमारे मर्दों के डब्बे में ना बैठने आए। नहीं वो मर्दों का डब्बा नहीं है, वो कॉमन डब्बा है। अरे यार उसको फिर मर्दों का डब्बा घोषित कराओ। मेन फ्रस्ट्रेशन क्या है, अगर सरकार चाहती है कि महिलाओं के 3 डब्बे हो तो कर दे, पर मर्दों के भी 3 डब्बे होने चाहिए, होने मैं चाहता हूँ, तभी कंधे से कंधा मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ तभी बैलेंस होगा कंट्री, तभी फर्टिलिटी नहीं होगी। और एक बार वैसे चिल्लाओ जैसे तुम्हारा स्टाइल था, कैसे कर सकती है ऐसे सरकार, इन भाई साहब के इस चिल्लाने पर जनता ने कैसे रिएक्ट किया दिल्ली के? हेलो, ये माहौल ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अला आदमियों के आंदोलन निकला करेंगे, जैसे नारी शक्ति निकलता ना ऐसे आदमी शक्ति आंदोलन निकला करेगा। जो अभी सज्जन कह रहे थे कि मर्दों का भी अलग डिब्बा होना चाहिए, बाकी सब तो उन्हीं का, और हिंदुस्तान में महिलाओं का औसत देखिए ना, एक डब्बे में आप चिमटा देते हो। हाँ सर, एक्चुअली ये जो लेडीज वाला है वो बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, क्योंकि लेडीज अपने वाले कंपार्टमेंट में अगर जाती हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो उनको धक्का दे सकती हैं, वो उनको टकरा जाती हैं तो वहाँ उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन जब जेंट्स वाले कंपार्टमेंट में आती हैं अगर कोई टकरा जाता है तो वो खींच के थप्पड़ मार लेती हैं और सीटों पे भी कब्जा कर लेती हैं। कब्जा कर लेती हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बरखा त्रिहन मैडम जी हैं, जो कि मर्दों के अधिकार के लिए काफी लड़ाई लड़ रही हैं, एक संस्था से हैं। सो मैम इस पर क्या बोलेंगे आप? जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं तो फिर ये वुमेन के लिए क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? वो ऑड इवन फॉर्मूला में भी जो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, क्योंकि 5000 साल की हिस्ट्री है जहां पर महिलाओं को दबा के रखा गया ऐसा हो तो इसका क्या मतलब है? क्यों महिलाएं क्या सक्षम नहीं है? अगर उनके लिए सीट है तो बैठ जाए, नहीं है तो नहीं बैठे, क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर फिजिकली गुड, तो क्यों उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको बैठने के लिए क्यों कहा जाए? ओल्ड सिटीजन के लिए होना चाहिए सिर्फ। चलिए सारा मुद्दा इसीलिए गरमाया क्योंकि वो भाई साहब ने हमारे को फोन करके चिल्लाया, पर आखिरी दो लाइनें किसी ने लिख कर भेजी हैं कि सिर्फ कानून नहीं दिला सकता मुझे समानता का अधिकार, इसके लिए जरूर है छोटी मानसिकता का बहिष्कार। भाई साहब आप लाइन पे हैं, वैसे चिल्लाएंगे क्या? सरकार थैंक यू 93.5 जाते रहो। हमारी घड़ी में इंसान को अपने काम से प्यार करना चाहिए, यही टॉपिक बहुआ को मिला, बहुआ ने इस पे क्या किया? हेलो पापा, आप समझते क्यों नहीं है मेरी बात? तू मेरी बात नहीं समझ रहा ना? ऐसे कैसे? कौन है, किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बोल। और ये मेरे पापा हैं। नमस्ते बेटे। एक सेकंड, आप क्यों लेकिन जूते को चुम्मी ले रहे हो? 5 नंबर का जूता दे, उसकी पप्पी लेनी 5 का। अबे कौन है? एक सेकंड, ये है जूता, ये जूता है मेरे पापा, ये है जूता, जूते की पप्पी ले रहे हैं, चुम्मी ले रहे हैं जूते की, ये जूता 6 नंबर का भेजियो। अबे एक सेकंड। हेलो। हाँ हेलो, मैं बताता हूँ आप। हाँ, ये कहते हैं कि आदमी को अपने काम से प्यार करना चाहिए, काम से प्यार करना चाहिए। हाँ काम से करना चाहिए, फिर इनका आजकल जूते का काम है। हाँ तो जूते से प्यार करता है के? हाँ पप्पी नहीं ले रहे 5 नंबर के जूते की। 9 नंबर भेज दे रहा मिंटू। हाँ ये देख 9 नंबर की, ये जूता जूते से प्यार हो गया इसे, ये देख जूते को चुम्मी ले गए बावली, क्या जूते से चुम्मी ले रहा है? सुनिए, इन्होंने 1970 में BDS बॉम्बे यानी डेंटल का काम किया, दांत के डॉक्टर बने। अच्छा, उसके बाद काम से इन्हें इतना प्यार हो गया कि वो दांतों को निकालती थी लोगों के मरीजों के और दांतों को चूसते थे, दांतों को चूसता था। काम से प्यार, इसके बाद इनका काम होता है। एक सेकंड, इनका फिर सैलून का काम आया। अच्छा, जहाँ पर ये किससे प्यार करते? बालों से। करेक्ट, इनने यही किया, दिन भर बाल काटते, जो बाल बचता उसको दांत को कुकर में डाल के 2 सीटी लगा देते दाल के साथ। अच्छा जी, कैसा आदमी है।
आपके दाल की कटोरी में एक बाल आ जाए पूरा दाल फिक जाता है। ये जानबूझ के दालों में बाल डालते थे। चूसता था फिर ऐसा अपने काम से प्यार करता। अरे वो बाल था सलजम थोड़ी। बहुत प्यार करता है अपने काम से। और इतना करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम अपने काम से। एक तो अभी हाल ही में इनने गाड़ी धोने का काम किया था। अच्छा पता है गाड़ी के प्यार हो गया। गाड़ी कैसे धोती थी? गाड़ी ऊपर से तो चाट देता था सारी, लेकिन टायरों में रोड़ी फंसी रहती ना, वो जीप से खींचते कई बार दांत दिक्कत होती, दांत से रोड़ी खींच देता था। अबे कैसा आदमी है तू, वेल्डिंग का काम शुरू कर ले अब तू। वेल्डिंग के काम में किस चीज से पैर कर सकते हैं ये? सरिया। सरिया सरिया मुश्किल है बेटे, दांतों से चलेगा नहीं, उम्र भी तो होगी। हाँ सरिया किसी लेना अपने सरिये से सर भी खुलते हैं। खोपड़ी खोपड़ी। हाँ तो खोपड़ी अपनी ना तेरे खोपड़ी में बना दूंगा, NH10 बना दूंगा चोपड़ा। अच्छा इसके लिए 10 नंबर का जूता दियो आंटी। हाँ जी खुद भी है। सुपर हिट्स 93.5 FM पर मैं हूँ रौनक, डॉक्टर सुकुमार अविश्वास इंस्पायर्ड। इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है जिसमें पूरे हफ्ते का हाल आपको मिल जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं। अरे भाई ये मेरा दिल है आपके शहर का अखबार नहीं। और हाल ही के दिनों में इन अखबारों ने कईयों को हीरो बनाया, उनमें से एक है अपना कन्हैया भाया जिसको एक लड़की की तरफ से चैलेंज आया। अरे जानवी का कन्हैया को एक ओपन चैलेंज आता है और बांग्लादेश धोनी का फोटो में सर कटवाता है। अरे तुम्हारी इस बेवकूफी पे मुझको है इतना कहना। तो कोई मुझसे पूछा था भाई बांग्लादेश की ओलंपिक टीम क्यों नहीं है? भाई जो वहां भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, कूद सकते थे, तैर सकते थे, वो सब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं। अरे कि तुम्हारी इस बेवकूफी पे मुझको है इतना कहना। अरे खरीदे मैप भारत का तो तुम्हारा फ्री में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली में एक कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। किसी ने कहा इस कल्चरल फेस्टिवल में और विजय माल्या में एक चीज कॉमन है, इन दोनों की वजह से बैंक को खतरा है। अब विजय माल्या की तरफ से उन बैंकों को जहां से उन्होंने लोन लिए थे और इस कार्यक्रम की वजह से यमुना बैंक। अरे कल्चरल फेस्टिवल खातिर सूखा यमुना का पानी है। अरे इंडिया पाक वाले मैच की जगह बदली जानी है। तो हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ वेन्यू बदला गया है, मेन्यू नहीं, उनको हार ही मिलने वाली है। अरे कल्चरल फेस्टिवल खातिर सूखा यमुना का पानी है, इंडिया पाक वाले मैच की जगह बदली जानी है। अरे वहां सर मान ले आप भग गए देश के बाहर ये गम है, तो गम गलत करने की खातिर उन्हीं की बोतल लानी है। तो उन्होंने कैलेंडर भी निकाला और बोतल भी निकाली है। इसका मतलब ये है कि कैलेंडर वाली लड़की अगर आपको ना मिले तो आप गम गलत करने के लिए उन्हीं की कंपनी का बोतल ले सकते हैं। अरे गम गलत करने की खातिर उन्हीं की बोतल आनी है। अरे खरीदोगे जो तुम बोतल सेल इनकी बढ़ जानी है, और सेल जो इनकी बढ़ जाए उधारी तभी चुकानी है। कि अब मैं बंद करता हूँ हमें क्या गा। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ जुड़ने के लिए? नहीं ये बैरागी जी की आवाज़ थी, मैं बहुआ बोल रही हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम बताएं आपको शुरू करके। काहे के लिए तैयार? एक अद्भुत चर्चा जो हर हफ्ते होती है, ताबड़तोड़ खबरें इस चैनल पे। भाई साहब जी शायद आप कहीं ट्रैफिक में फंसे, बड़ा शोर आ रहा है पीछे से। हल्का आ रहा है। तो एक मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। अच्छा तो किससे पूछ के बनाया प्रतिनिधि? अब पूछना अच्छा। क्या इसमें जिम्मेदारी की बात होती है जनता के प्रति, मतलब समाज के प्रति आपका दायित्व से निभाइए। बोलिए कर सकते हैं क्या, थोड़ा समय निकाल सकते हैं? जल्दी करो फिर। जल्दी करो फिर। इन्होंने हाँ बोल दिया बैरागी जी। चर्चा शुरू की जाए। इस बारी की चर्चा का मुद्दा ये है कि भेड़ चाल। जी भेड़ चाल, जैसे आपके पीछे जो आवाज आ रही हो भेड़ चाल का एक हिस्सा ही है। हेलो। अरे भेड़ चाल क्या होती है? शतरंज में तो सुना है घोड़े की चाल, हाथी की चाल, ऊंट की चाल। है यही सवाल कि भैया ऊंट हाथी घोड़ा हाँ
इनकी चाल होती है भेड़ चाल बैठागी जी की। आप ध्यान दीजिए, हाँ। भेड़ के साथ जुड़ा होता है ऊन, भेड़ से ऊन निकलते, सही बात है ठीक है। भेड़ चलती है, ऊन उगती है, हाँ। ऊन से क्या जुड़ी हुई है? सर्दी, स्वेटर, सर्दी स्वेटर ठीक है। सर्दी से क्या जुड़ा हुआ है हमारी दिल्ली? दिल्ली, हाँ दिल्ली सबसे ज्यादा, भाई साहब जी महानगरों में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली अच्छा। में क्या है? संसद, संसद भी है, संसद से देश चलता है, देश चलता है। और देश चलाने के लिए क्या चलना पड़ता है? चाल, बहुत बढ़िया। तो आपको मैं बता दूं, कहानी शुरू हुई थी भेड़, हाँ। ऊन, स्वेटर, सर्दी, दिल्ली, संसद, चाल। वाह वाह वाह, क्या कनेक्शन है बैरागी जी, जी। यानी बात शुरू हुई भेड़ से और खत्म हुई चाल, चाल पे, इसी को कहते हैं भेड़ चाल। बहुत बढ़िया, भेड़ जवाब, क्या आपने तो जवाब भी बिल्कुल चर्चा पहली बार। क्या नाम है इनका बैरागी? जबरेश रोहिला, जबरेश रोहिला, जबरेश रोहिला जी। ये किसका नाम है? आपका नाम कागजों में आया हुआ हमारे पास। आपका नाम जबरेश रोहिला। बस करिए एक सेकंड, प्यारा सीखेंगे तो पीछे जो हॉर्न बज रहा है आपके कान में डाले जाएगा, क से कान। मैं तेरी में डाल दूंगा पूरे। अभी आप स्कूटर चढ़ने वाला जैसे आया पीछे, अब तेरी चढ़ा के पीछे। जबरदस्त फोन रखो, दिमाग से अमीर बन। फोन रख तेरी साला बेरागी की औलाद। नंद की जोड़ बेरागी जी फोन कर दिया। लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है वो पढ़ा दो। की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह, टोरंटो, आपने सुना? टोरंटो काफी सुना है। टोरंटो के गांव जाहिलपुर से मोमोज की चटनी पीसने वाली फेंगसुई बत्रा, फेंगसुई खुद कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। थैंक यू फेंगसुई बत्रा, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। जो भी होता है फेंगसुई, वी लव यू। ओके थैंक यू। कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, इसका मतलब बेटा बड़ा हो गया। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर इस पे कोई मजे ले सकता है? बउआ ने क्या किया ये जरा सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं, सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए किस चीज के लिए। हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कच रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर दो मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर टू मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है, सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंद किशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बताओ क्या होता है। बताओ क्यों। देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है, बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी, ठीक है? तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पेट में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में, हाँ। एक जूते में काम चले रहे, क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके चार बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अच्छा, अगर चार बेटे, सीधी सी बात है, तीन बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंद किशोर बैरागी और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गेरिया की राजधानी रफलोंचा से, रफलो वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। एक सेकेंड, यहाँ गड्ढा खुदेगा, अभी खोद डालूंगा पूरा गड्ढा। हेलो, मैं बोलेगा हेलो क्या? सॉरी, गड्ढा खुदाई फिर से चलेगी, बहुआ अमरीका जाके जाएगा। एक सेकंड, अरे ये
यहाँ खोज, यहाँ खुदाई होगी, इधर खुदा है, उधर खुदा है, चिधर नहीं खुदा है, बउआ खोजेगा। अरे पागल आदमी, एक सेकेंड, मुझे अमेरिका जाना है बोला था मैंने। अरे तो अमेरिका जाना तो भाई गड्ढा खोज, गड्ढा खोज रहा हूँ क्योंकि पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट चाहिए? हाँ। अबे तो फिर ये गड्ढा, एक सेकेंड, इसमें उतर के फोटो खिंचाना है ना। मैं गड्ढे में घुस के फोटो खिंचवाए और क्या, पासपोर्ट साइज फोटो छाती तक होती है। अबे तो वहाँ एक सेकेंड, गड्ढे में छाती तक उतरूंगा, फिर उतने ऊपर का फोटो ले लूंगा, गड्ढा खोद रहा हूँ। सॉरी मेरा नहीं लगता, काट दिया, काटा नहीं अहमद, मैंने। अरे रुक जा, एक सेकंड, चौथा गड्ढा खोद रहा हूँ मैं। रुक रुक जा, एक सेकंड, तो ले लिया ये, तो तू एक गड्ढे में भी ले सकता है, तू ले सकता है जी मैं। हेलो, बोलेगा तू, पहले ठीक से बोल ले, मेरी बात सुन ले। हाँ जी बोलो। गड्ढा तू एक फोटो में भी, एक गड्ढा, एक पहले डिसाइड कर ले, गड्ढा में एक फोटो या फोटो में गड्ढा। अबे ओ सुबह सुबह, सॉरी मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं एक गड्ढे में भी फोटो ले सकता था, है ना? चौथा गड्ढा क्यों खोज रहा हूँ, राइट? वही तो बात है। नहीं एक्चुअली क्या, चार पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ना, इसीलिए चौथा गड्ढा खोज रहा हूँ, उसमें चौथा फोटो लूंगा। वाह बेटा वाह। सॉरी, मैं गड्ढा तो काट दिया क्या? एक बार सुनते हैं। हेलो, 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 हाँ जी सर, हेलो, हेलो सर, इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट? आप बोल ही नहीं रहे हो। हेलो, अच्छा सॉरी सर, एम आई रीचिंग टू 9395373? पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्कार। कौन बउआ? .com से। आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या, मतलब पति बेच रहे हो? ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट, बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओह कविता, एक सेकंड, मैं कहीं कवि तेरे प्यार एक कविता जी, क्या है? थैंक यू दादा, यू वेलकम, वेलकम यू। हाँ जी कविता जी, एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल मैं रहे हैं? आपको पति चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी, नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है, इनके पास दो गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, तीन बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। उसमें आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पति, आपको पति चाहिए था ना? नहीं तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति है। हाँ पति हूँ, बहुत काबिल पति है। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो पति तो पति, आप ये बोलिए ना, लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए, इज दिस फाइनल? यस। ओके, आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देख रही? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ तो चाहिए कि सेम फील्ड का, सेम फील्ड का हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन, व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं, नहीं तो नहीं नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो, बताइए। थैंक यू थैंक यू, थक जाता है बैठे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए तो, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हेलो भाई साहब, नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं बउआ और मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बउआ भैया, अगर आप दो मिनट दें तो क्या हम, हेलो, हम दे तो देंगे लेकिन कौन बैरागी शुरू कर देंगे दो मिनट एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंदकिशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा अच्छा, बता बता बता, दांत चिहाड़ दिया बता। जैसे पेड़ के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए, बता बता।
तो आज चर्चा शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोली, हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ। तो नहीं, क्यों लगी बेटागिरी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलार राजा शाह, राजा शाह राजस्थान के थे इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में बोला। वो जैसे दादी सा नानी सा। जल्दी बता, राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए, ठीक है, तो उनके रथ से दो पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। ओ, उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो, गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को ही खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू, क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू के हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब, बस करिए। चल बहुत। इस बार की चिट्ठी बैठेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेरिंग लूसी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। ओ माय गॉड, डेरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। हेलो भाई साहब। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। अभी भाई साहब तो अंकल हो गया, कौन बोल रहा है भाई? मैं बहू अभी सर। बड़ा दुखी सा बोल रहा है, कौन बोल रहा है समझ नहीं? दुखी नहीं, मेरा एक दोस्त है। अच्छा। वो ना दुखी कर जाए, लोगों को बहुत दुखी करता है। इसका नाम है डगलस फ्रॉम शक्कर का पोवा। शक्कर का पोवा? नहीं शक्कर नहीं, अब शक्कर का पोवा। बताइए आपको ना मोबाइल में या फेसबुक पे बड़े ऐसे मैसेज आए होंगे कि इसे बड़े लोगों के साथ शेयर करें, वरना लोग बात भेजते रहते। नहीं तो ये हम ऐसा ही एक मैसेज इसने लेटेस्ट बनाया है, बस हमको किसी पर चढ़ाई करना है इसलिए हमने आपको फोन लगाया है। मैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला था। नहीं नहीं, वो मैसेज सुना दी जो बनाया तूने। सन 1000 सालों से पवित्र नागमणि की रक्षा कर रही नागिन खंडवा जिले में बैठी है, इस मैसेज को तुरंत 14 लोगों को भेजे, शाम तक अच्छी खबर आएगी। अगर जो ना भेजे तो? अगर इग्नोर किया, नहीं भेजे तो 5 सेकंड में बुरी खबर आएगी। 5 सेकंड में? एक बात बताओ, बुरी खबर तुरंत 5 सेकंड बाद आती, मतलब क्या चक्कर है? आप बताओ भेजोगे नहीं भेजोगे? ना भेजता हूँ, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा तू? नहीं भेजेंगे पक्का? ना भेज रहा। बुरी खबर आएगी 5 सेकंड में, 5, 4, 3, 2, 1, बुरी खबर। नमस्कार, बुरी खबरों में आपका स्वागत है। अब तक किसी भी बुरी खबर यह है कि आपकी छत पे आने वाला बंदर पहले आपका कच्चा फाड़ के जाता था, अब वो फाड़ के जाएगा आपकी कमीज। तू आया तेरा बंदरा फाड़ दूँ तुम दोनों। पहले जो बोल रहे आप, बुरी खबर आपको हजम नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बताएं। 14 लोग को मैसेज दे दो, वापस से बता रहा हूँ। सन 1008 से ही पवित्र नागमणि की रक्षा करती है नागिन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। इस मैसेज को 14 लोग को भेजिए, कल शाम तक अच्छी खबर, वरना फिर से 5 सेकंड में बुरी खबर। फिर 5 सेकंड में 5, 4, 3, 2, 1, बुरी खबर। नमस्कार, बुरी खबर में आपका स्वागत है। वो जो बंदर आपकी छत पर आता था पहले आपका कच्चा फाड़ता था, वो आपको फाड़ कर जाएगा आपकी कमीज। अरे बुरी खबर, कमीज फाड़ देगा बाप। या खबर देने वाले से बात करवा जो मैसेज बना रहा है। ये भी जगलेस फ्रॉम सकरा पूर्वा, जगलेस बचियाले भाई। हाँ भाई, 1000 सालों से पवित्र नागमणि नाग की रक्षा कर रही है खंडवा जिला। बोलिए भाई साहब, इस मैसेज को 15 लोगों को भेजे। ये मणि मेरे पास में है, 2 मणि, ठीक है, और एक नागिन की रक्षा कर रहा है बना रहा है घंटा से, ये वो भेजूंगा तुझे, फोन बंद कर दे। हेलो, नमस्कार जी। राम राम जी। ओ, ये भी चल जाओगा। मैं बउआ बोल रहा था। क्यों बोल रहे थे? आपसे 2 मिनट चाहिए। नहीं देने तो। दिलीप बात कर रहे हैं? हाँ दिलीप बोल रहे हैं, बताइए। मैं से बोल रहा था, नंबर सही चल रहा है ना? बैलेंस चलवा दीजिए, 500 का दौड़ेगा, चलेगा नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन एक कॉन्टेस्ट के सिलसिले में आपसे बात कर सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो? चलो फ्री हूँ, कर लो। इच्छुक कॉन्टेस्ट को पहले 2 प्रतियोगी खेलेंगे। अच्छा, जैसे आप एक तरफ लाइन पे और दूसरी तरफ लाइन पे डगलस है। डगलस? आई एम डगलस फ्रॉम शाका पापा। क्या पहले आप बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं है। है भी? अच्छा, तो कितना टाइम लगा उन्हें पटाने में? बस ड्राने कर करके मान ही गई, ना करके हाँ कर ही दिया। यानी लड़कियों के नाम में हाँ होती है, ये बात आप समझ चुके हैं? काफी टाइम बाद समझा। कॉन्टेस्ट भी यही है कि लड़की की नाम में हाँ, यानी जितने गाने जिनमें लड़कियों ने ना ना बोला है आपको हाँ हाँ करनी है बस। तो मैं एक एक करके गाने बजाऊंगा, जवाब देने के लिए सबसे पहले नाम चिल्लाने। आर यू ऑल राइट? लेट्स प्ले द गेम। हाँ सर बिल्कुल, करें। 3, 2, 1, पहला गाना। डगलस। दिलीप थोड़ा लेट हो गया, बताओ। डगलस। हाँ हाँ करते, प्यार तुमसे कर बैठे। 1-0। चलो दूसरा गाना। नहीं नहीं डगलस, नहीं पहले दिलीप। दिलीप प्लीज टेल मी। हाँ हाँ अभी करो प्यार। अच्छा।
वन ऑल हो गया, नेक्स्ट गाना डगलस। भाई साहब इसमें गाना है, इसमें कैसे बोल देगा ये? इसमें है ना? ना कहाँ है? गाना बजाओ, गाना बजाओ फिर से, दुग्गल जी साथ में सुनियो। गई लग गई हाँ। जमाहा कहे, जमाहा मतलब जमाहा ना को हाँ करना ना, जमाना का जमाहा कर दी। जमा आई एम डगलस फ्रॉम सकारापो। गलत आप क्या करिए दुग्गल जी, 3-1 हो गया है। आई एम विनिंग दिस। तुम दोनों नहीं, हम एक सेकंड रुको, एक आखिरी गाना भाई साहब, एक सेकंड डगलस। अबे इसमें तो लड़की गाई नहीं थी, इसमें कैसे हो जाएगा? तो लड़का का आ, लड़की तो है ही नहीं डगलस। लड़का लड़की आके समझ में एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना, ना तो ना रहेगी ना। हाँ कर देगी हाँ मोतियों के हार, हाँ कोई हाँ मोतियों के हार, हाँ कोई क्या सिंगार, फिर भी मैं सुंदर हूँ। फोन का जी आई, योर नेम इज डगलस फ्रॉम सारा करा पापा। ओके You can hear properly? Yes, yes. Hello, कौन बात कर रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ, ये मेरा दोस्त डगलस है, he is from चकरा का पौवा। क्या ना, हमारे लोग का गाने का एक कैसेट का दुकान है। हाँ। पर थोड़ा तकलीफ हो गया, कल रात को हम दुकान खुला छोड़ गए थे। ठीक है। शायद चूहा आ गया और गाने कुचट गया। अबे तो सॉरी, अगर मान लो ना दो मिनट के लिए, क्या ना गानों में से शब्द गायब हो गया। अगर नहीं शब्द प्लीज, इसमें गानों में से शब्द भर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ, जैसे चूहे ने गाना कुचड़ा और पहले ये गाना ऐसा था बिल्लो, सुनो आवाज आ रही है। सुना आपने गाना? हाँ सुना, क्या इसमें सर? बिल्लो रानी कहो तो अभी दे दूँ, क्या दे दूँ, वो गायब हो गया, चूहे ने शायद कुचट दिया। तेरी देगा बिल्लो रानी, क्या देगा तू? बिल्लो रानी के एक्चुअली बाथरूम में जहाँ से पानी जाता है ना, वो ढक्कन निकल गया। अच्छा, तो उसे सफेद सीमेंट, बिल्लो रानी कहो तो अभी ढक्कन दे दूँ, सफेद सीमेंट दे दूँ, मुझे कालेगी कॉकरोच नहीं आएंगे। दूसरा गाना इसमें से भी गायब है शब्द। अगला सुनिए ये गाना भी, इसमें से भी शब्द गायब है। यहाँ तार फेफड़ों में तार आता है ना, तार जिंदगी में। भाई साहब इसमें टार आएगा कि क्या है? नहीं मिलता। हाँ आपको तो मिला ही नहीं, जैसे भूखे कहीं के। ओह माय गॉड, बस करिए। तुझे तो मेरी क्या लग गई? बल तोड़। एक सेकेंड, आखिरी गाने सुनिए। दो क्या, आगे बंद हो गया गाना। तू कहाँ से आया साले, कौन सा इंसान? शाकारा का पोवा, यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेट, शाकारा का पोवा। साले तेरी ऐसी लात मारूं ना सीधा सही वहीं। मोहब्बत देना तू क्या आया है? बबला डाकू आया, इसे ले जाएगा। बबला डाकू से बच के रही हो, सावन नहीं बबला डाकू। मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है। एक वर्ड ऑफ इस गाने के साथ भरेंगे। मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है। आई एम डगलस फ्रॉम शाकारा पोवा। हेलो अंकिल, नमस्ते। हाँ जी कौन? एक सेकंड डगलस, तू गया कहाँ था? काला लग रहा हूँ। काला तू लगता है, नहीं हो गई थोड़ी सी? थोड़ी सी हाँ, एकदम मच्छे के नीचे ना, फिटकरी लगा लियो फिटकरी। हाँ। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरे साथ मेरे दोस्त डगलस है। डगलस हाय। हेलो। हाँ अरे क्या चाहता है भाई, बोल क्या काम है? मेरा दोस्त डगलस अभी घूमी करके आया है। अबे वेला दिखता हूँ, नंबर लगा दिया, बात कर लो। काट दिया। हेलो अंकिल, कट गया था? अरे कट नहीं गया था, मैंने खुद काटा था। डगलस यहाँ बैठा हुआ है, वो गंदा बोलेंगे। यहाँ टैन की क्रीम है कोई? दोस्त तेरा पूछने तूने है, मेरे को भी बीच में डाल। अगर आप दो मिनट दे दें तो मैं पता लगा लूंगा आपकी मदद से कि कहाँ गया था ये। अच्छा बोल, जल्दी बोल, फटाफट बोलो। डगलस हाँ फ्रेंड, कहाँ गया थी तू? मैं गाड़ी यार पहले रोक देते हैं। अच्छा फिर पैदल जाना पड़ता है। वैष्णो देवी गया था क्या? वैष्णो देवी नहीं गए? नहीं। तो क्या होता है वहाँ? फिर कहाँ गया था? मेरे यार पूजा होती है वहाँ नदी किनारे। नदी की बनारस गया था? अरे नहीं यार बनारस गया था। फिर कहाँ गया था? एक मिनट आप गुस्सा नहीं करो ना, तो कहाँ गया था क्लियरली बता। यार वो पीने को देते हैं, बहुत सही चीज पीने को मिलता है। सब पीते हैं वहाँ पे? सब पीते हैं। अच्छा अच्छा, बैंको गया होगा? नहीं बैंको गया था। देंगे तेरे पापा पैसे, बैंको गया होगा। और सुनो
औकात मेरे अपनी। एक सेकंड टकलेस अभी अभी आया, अब गंदा बोलेंगे। टैन हुआ हूँ, काले हाथों से लगेंगे रहते। वही यार, बर्फ गिरी थी। बर्फ गिरी थी, अच्छा मतलब तू वहाँ गया था बोलते, उसको याद कहाँ बर्फ गिरती है। हेलो, हिमाचल गया था, कश्मीर कहीं गया था? नहीं यार, वहाँ पे वो तो कश्मीर नहीं है, तो कहाँ गया था फिर यार? इधर एक सेकंड बच कर यार, तू कहाँ गया था बोल यार? इधर एक जगह है, छोटा हरिद्वार कहते हैं उसको, मुरादनगर। मुरादनगर के पास, हाँ वहाँ गया। पीने के लिए क्या मिलता है वहाँ पे? अबे वो मिला नहीं है, दानेदार शिकंजी नहीं मिलती है। बर्फ कैसे गिरी वहाँ पे? एक साइकिल पे ले जा रहा था सिल्ली बर्फ की, वो गिरते ही नीचे चूर 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 से बर्फ गिर गई, बर्फ गिर गई। आ गई शिकंजी, मिलती है बहुत बढ़िया, बर्फ भी गिरती है। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे सर मुझे बेकार। आप क्यों नहीं समझा रहे? आई एम ए सीनियर, सीनियर PhD इन, बट मैं सवाल के सही जवाब दे रहा हूँ ना आपको। यू नो आई PhD इन त्रिफला चूर्ण। हाँ भाई, क्या हो गया? मेरे को धीरे से समझा। मेरे एक सर हैं, आई एम ए डगलस फ्रॉम शाकाराका बउआ हायर स्कूल ऑफ सेकेंडरी लॉजिकल। क्या ठीक है, क्या समझा आपको? तो ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, जवाब मैं अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं अच्छा घंटा अच्छा। तो मेरे को क्यों फोन करा भाई तूने? इंसानी इंसानियत के नाते भाई साहब, गेट आउट ऑफ माय क्लास। वही गेट आउट, मुझे निकाल रहे हैं वहाँ पे। उन लोगों ने नारा लगाया, उनको देश से नहीं निकाल रहे, मुझे क्लास से निकाल रहे। गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। ये तो बात गलत है भाई। हाँ है ना, एक सेकंड, तूने सवाल क्या दिया फिर? सवाल सुनो, क्या सवाल है? 15 फलों के नाम बताओ भाई। क्या तूने जवाब दिया? मैंने एक संतरा, राइट, एक अमरूद, राइट, एक सीताफल, राइट राइट, तीन हो गए। हो गए बाकी 12, बाकी 12, बाकी एक दर्जन केले। स्कूल के बाहर निकाल देना। गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरे सवाल इनका सुनिए। यस, यू डेफरलॉजी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज द सिंपल एंड सेम क्वेश्चन। ठीक है बताओ। क्वेश्चन इज, मैंने आपको दो बिल्ली दी, ठीक है, फिर आपको दो बिल्ली दी, ठीक है, फिर आपको दो बिल्ली दी, ठीक है, हाउ मेनी बिल्ली? 7 बिल्ली मास्टर साहब। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको दो बिल्ली दी, ठीक है, एंड अगेन 2 बिल्ली दी, ठीक है, एंड अगेन फिर 2 बिल्ली दी, तो 7 बिल्ली हो गई ना। एक बार मैं 6 बिल्ली हुई है। एक गंदा बोल। आई गिव यू एग्जांपल, एक एग्जांपल है दो। आई गिव यू एग्जांपल, मैंने आपको दो सेब दिए, दो सेब दिए, उसके बाद फिर दो सेब दिए, दो सेब दिए, उसके बाद फिर दो सेब दिए, तो 6 सेब हो गए। नाइस, वेरी नाइस। ऐसा ही वो सवाल है जैसे सेब का जवाब दिया, ठीक है, ऐसे ही बिल्ली वाला जवाब। हाँ कैसे? मैंने आपको दो बिल्ली दी, डी, फिर मैंने आपको दो बिल्ली दी, डी, फिर मैंने आपको दो बिल्ली दी, तो कितनी बिल्ली? 7 बिल्ली हो गई ना। 7 बिल्ली कैसे होगी यार? तेरे को जब तू जवाब ऐसे देगा। लास्ट टाइम आई रिपीट द क्वेश्चन, लास्ट टाइम, दिस इज लास्ट। मैंने आपको दो बिल्ली दी, दो बिल्ली दी, फिर दो बिल्ली दी, दी, फिर दो बिल्ली दी, दी, कितनी बिल्ली हुई? 7 बिल्ली। 7 कैसे हुई? डम एंड डम। 7 ऐसे हो गई कि मेरे पास एक बिल्ली घर पे पहले से ही है। ये दिस इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास एंड वी आर वी प्राउड ऑफ आवर नेशन। चल तेरी बस करिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है यार? क्यों बोल दिया? 2 मिनट चाहिए। डगलस, आई एम डगलस, मैं फ्रॉम शाकाराका। तूने उसको बड़ा कर दिया ना? हाँ, इन फैक्ट इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। आई एम डगलस फ्रॉम शाकाराका पोवा। मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे ही इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शाकाराका पोवा। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं। अब मैं बता दूं, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब से ही मोलता, कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट करो तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। इज वियर्ड मैन, सीरियसली। खानदानी रीता लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से, बी से बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन दादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर, बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है?
डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार, एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इसमें छोड़ दूं। और जी फोर होता है अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फोर फोन काट दिया, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सैमसन चक्रवर्ती। हेलो, 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 हाँ नमस्ते अंकल, अंकल, अंकल नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें, आपसे मुझे सिर्फ दो मिनट की जरूरत है। एक मिनट मेरी बात सुन, दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है। इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है। करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है। इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है, मेरे साथ में एक हेल्पर है। लो नाम क्या बताया तुमने अपना? मेरा नाम बउआ, बउआ है। और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद, अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। ऐसे कहीं होता है ये? क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा अनुवाद। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया, शायद आपने गलत फोन उठा लिया। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं हुआ नहीं आज तक, हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नंबर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है, गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है ट्रू कॉलर? हाँ, मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने। एक सेकंड अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊँ तेरे को, एक सेकंड भाषा, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, फिर भी उसका नाम लिखाएगा? जब मैं पहचानता नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? इसका नाम भोंपू बता रहा आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा उदाहरण घंटा दे रहा तेरा। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी कलात्मक भगा इसको, अगली बार से गलत फोन मत उठाना। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ, बउआ। और ये अनुवाद चंद, और तू भोपू, भोपू। थैंक यू। करने के लिए सिर्फ तार दबाए, शुल्क लागू। तू गहरा संग हेलो 7833733 ये नंबर है आपका? जी मैं बउआ से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है और मेरे साथ है डॉगलास मेहता फ्रॉम शिकागो। ये कौन है भाई? बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कॉलर ट्यून के लिए आपने जो बात की, क्या उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं आप? पहले अपने कॉलर ट्यून को बंद कराने चेक करूँ, कितने दिनों से बोल रखा है कॉलर ट्यून बंद कर दो। नहीं तो गलती से शायद स्टार और नॉट दब गया था, इसलिए मेरे एग्जीक्यूटिव डॉगलास हु इज फ्रॉम शिकागो, ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। इज द राइट टाइम टू स्पीक टू यू फॉर 1 मिनट रिगार्डिंग? He can't understand the Hindi actually. Is it possible to talk in Hindi or English? Can't kindly let me know reminder. हिंदी में बात कर लो जी, हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो कॉलेज ट्यून तो नहीं चाहिए, आपने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल मना कर रखा। डायलॉग चल जाएगा? डायलॉग क्या होता है? जिसने स्टार्ट और नो दबा की इस कॉलेज ट्यून को कॉपी करे। हाँ। स्टार्ट और नो दबा की इस डायलॉग को कॉपी करे, नया आया है। नहीं मेरे को डायलॉग लगवाना, मैं भी कॉलेज ट्यून लगवानी। नहीं इसमें क्या है ना, हम लोग हिंदी डायलॉग का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करके बताते हैं, आप एक बार सुन लो, नहीं लेना तो मत लेना। ठीक है ठीक है, जल्दी सुनो और मर जा। डगलस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, सीरियसली जज। कौन सी डेट? नहीं एक बार बाबा, नेक्स्ट डायलॉग शायद पसंद नहीं है इनको। ये 70 मिनट भी खुला तुमसे सीन नहीं सकता। दी 70 मिनट्स डोंट एवर फाइंडिंग फ्रॉम गॉड। अरे भैया कौन से डायलॉग बोल रहे? एक सेकेंड और एक बचा। मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, धोती है, कपड़ा है और माँ है। आई हैव मैनी क्लॉथ विद माई एंड एवरीथिंग आई हैव एंड इंक्लूसिव माँ विद टैक्सेस। अरे भैया सर को डायलॉग चाहिए, मत बोलिए आप गंदा। गंदा क्या नहीं बोलूंगा, एक सेकेंड। बाप का, दादा का, सबका पता लेगा जरा। फैजल, फैजल इज ऑन रिवेंज, फैजल इज ऑन रिवेंज। बताइए इसको कटना है। ये हिट डायलॉग फ्रॉम द मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, प्लीज इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम डगलस फ्रॉम शिकागो। सो दिस का एक डायलॉग सुनो। बिजली लाइट
बिजली लाइट इतना झूठा सर सिंपल डायलॉग इसके पैसे 15 रुपीज डगलस बात करना चाह रही आई एम स्पीकिंग डगलस मैं तो फ्रॉम शकरपुवा प्लीज से समथिंग अरे कौन सा व्हाट आर यू सेइंग एक मिनट नॉट अ डायलॉग टेल मी योर फेवरेट डायलॉग डगलस बगैम्बो खुश हुआ बगैम्बो लमाओ रोफल लमाओ रोफल बगैम्बो बढ़िया मेरे पास का वीजा नहीं तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा आई हैव नो वीजा बिकॉज ऑफ तारा ही कांट कम इन पाकिस्तान इटली लाइट हाय मैं हूं बवर मेरे साथ डगलस मेहता फ्रॉम शकरकपोवा हेलो हेलो जी कौन जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ कौन बहुआ महुआ नहीं बहुआ बस है हाँ कौन बहुआ बहुआ बुआ नहीं वो तो पापा की बहन है मैं बस है बहुआ अरे पता है बहुआ सॉरी गंदा क्यों बोल रहे हैं हाँ आवाज कचरी आवाज कचरी थी मैं कह रहा था हेलो क्या कह रहा था आज त्योहार का दिन है हाँ तो रक्षाबंधन का पता है मुझे है ना तो मैं मैसेजेस दे रहा था सबको लगा जिसका भी लग रहा था फोन तो आपको भी सोचा कि दे दूं तो SMS कर देता फिर गंदा बोल रहे हैं यार क्या बात होगी अरे तो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है SMS सब लोग देते हैं ना दोस्त तो मैं सोच रहा कि वही SMS पढ़ के बोल दूं तो ज्यादा फीलिंग आएगी आजकल समय नहीं होता है किसी के पास आप SMS करके जिम्मेदारी से पूरी कर देते हो बट किसी को फोन करोगे तो उसको अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो पढ़ूं क्या मैं SMS पढ़ जल्दी आपको और आपके पूरे परिवार को आज के त्योहार की यानी रक्षाबंधन की खूब सारी बहुत सारी ये ढेर ज्यादा अच्छे ढेर सारी शुभकामनाएं तो एक लाइन में नहीं बोल सकता था तू गंदा क्यों बोल रहे हो बोलूंगा क्या पढ़ लेगा हेलो गलत बोलेंगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा बोलूंगा यार फिर से माँ बहन पे जा रहे यार गलत बोल रहे यार कंप्लेन कर दूंगा मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ वार्निंग दे रहा हूँ तेरी को सुधर जा वरना बोल दूंगा मैं बोल दूंगा मैं बोल दे इसको बोल पता है एक सेकंड किसको बोलूंगा पता है किसको बोलेगा बोल विनीता दीदी को बोल दूंगा क्या एक सेकंड हेलो विनीता दीदी सुमित क्या क्या बोल रहे सुमित तू हेलो दीदी ये क्या बदतमीजी चल रही है देख रही है आप कैसे से होता जा रहा तू दीदी आप हाँ मैं क्या चल रहा है अब बोल अरे दीदी आप इसकी तो विनीता दीदी हाँ क्या कट रही है इसको तो मैं बता मेरे को बताने के लिए इसकी हरकत है मैं इसको अभी फोन करके बताती हूँ नहीं मतलब अपनी बहन बहन और दूसरी की माँ बहन मैं तो कह रहा हूँ आज मिठाई से पहले कुटाई करना इसकी घर आता है तो तोड़ती है सॉरी यार तोड़ती है अब भी गंदा हेलो अंकिल जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ नमस्ते हाँ बोल भाई मैं ATM के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ ये मेरा मालिक आया गुस्सा कर दिया क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने एक सेकंड भाई साहब बोल अब आप ही फैसला करिए तू क्यों भागा मैं मेरी बात सुन हाँ जी तो मैटर बता क्या है नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ फोन निकाल मैं मैटर बताती हूँ हेलो मैं ATM का सिक्योरिटी गार्ड कल रात को इसमें एक चोर आया तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं रेलवे स्टेशन चोर है तू भागा किधर नहीं नहीं देखिए हर काम का एक तरीका होता है मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था तू रेलवे स्टेशन गया था एक सेकंड जैसे चोर आया चोर को घुसते हुए देखा मैंने ATM में देखा तूने और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया अबे बताओ क्या तू जल्दी बोल मेरा टाइम कोटी मत मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई तू क्या भागे जा रहा था एक सेकंड चोर को पकड़ना था ना स्टेशन चोर का फूफा था स्टेशन क्या करने गया था तू एक चोर के ट्रेन में भागा था तू ट्रेन में नहीं भागा था पूरी बात तो सुनिए यार सुन तो रहे नहीं आप लोग अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता क्या मिलता मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता ओ सिक्योरिटी के बॉस एक सेकंड ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर शॉप मिलता तो पेपर शॉप का क्या मैं उस पेपर शॉप से पहले एक पत्ती निकालता हाँ फिर उस पत्ती का क्या करता पत्ती के डालता तू
नहीं। पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड। वो चोर तेरे मार के ले गया, तू कर गया रहा। मैं हाथ, मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी अब जो हाथ, एक सेकंड बात रहे तेरे मालिक से। मालिक हाँ बोलो। हुए से पूछो, इसके पास पेपर तो बचे हो दो चार? हाँ बचे। हाँ बचे। बोलो हाथ धो के अपनी में डाले दो चार पेपर। गंदा भाई, तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी डाले। चुप, गंदी बात, छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास, पछताएगा कल का। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा? जी मैं बहुआ बोल रही हूँ। बोलो भाई काम। एक बार वापस कुछ बोलिए। हेलो, शायद रॉन्ग नंबर लगा है। खुद ही कॉल कर रहा है, खुद ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है भाई, क्या पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं किसी, मैं सोचा कोई और उठाएगा। चलिए ठीक है। हेलो। ओहो सॉरी, मैं बहु, हेलो बहुआ बोल रही हूँ। भाई क्या हो गया? बहुआ बोल रहा ठीक है। सॉरी, लगता है फिर से रॉन्ग नंबर लग गया। पागल, अब लग गया ना अगर दोबारा रॉन्ग नंबर, तो सही बता रहा हूँ, ये रॉन्ग घुसेड़ दूंगा अंदर। हेलो भाई साहब। तेरे भाई साहब की, भाई साहब, भाई साहब, आप खुद को बोल रहे हो, मैंने भाई साहब आपको बोला। आप भाई साहब को, ये प्रोविजन स्टोर से बोल रही है ना, जनरल स्टोर? आप से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ राशन का सामान मिलता है ना, मिर्च मसाला सारा कुछ? तो बोलना कहती है आप बार बार फोन उठा रहे हो, मेरे को लगा कोई लेडीज उठाएगी। जलानियों को गले में बिठाएंगे क्या हमने? नहीं बात क्या, आजकल तो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है औरतें। अरे कंधे से कंधा, में तेरा वही कंधा तोड़ दूंगा, कर रहा है। सॉरी, नहीं क्या है ना, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था। हाँ क्या कहा था? मसाले ले आने के लिए। हाँ तो भाई हमसे ले लेना मसाले। कौन से मसाले चाहिए तेरे को? लड़कियों से चाहिए मसाले? नहीं, वो एक्चुअली मम्मी को लगाने थे देगी मिर्च का तड़का, जिससे अंग अंग फड़का, इसलिए देगी मिर्च चाहिए था। हेलो, तो देगी मिर्च मैं दे दूंगा, क्या दिक्कत है? आप देखो, आप मिर्च दोगे तो देगा मिर्च हुआ, क्योंकि आप पुल्लिंग हो मेल, और लड़की मिर्च देगी, औरत मिर्च देगी तो देगी मिर्च, देगी 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 मिर्च, ये तो मंगाया। बुढ़ा मैं, इसलिए मैंने रॉन्ग नंबर बोला, आपसे बात ही नहीं करी, नहीं आपको सलीका नहीं है बात करने का। तू पुलिंग स्त्रीलिंग कर रहा है यहाँ पर, तू फोन काट। फोन मैं फोन काट दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। ऐसी कौन सी इच्छा जिसके लिए? 1,00,000 दे दूंगा प्लीज। क्या इच्छा है तेरी ऐसी, बता ना। 1,00,000 रुपए दे रहा है जिसके लिए? आप मुझे 2,00,000 रुपए दे दो बस। तेरी पागल, मैं तेरे को 2,00,000 दूंगा, लाख से बाद में दूंगा बेटे। सॉरी, कहाँ देंगे लाख? लाख मैं समझ गया, और लोग भी समझ गए कि आखिर लाख दी कहाँ जाती है। फुटबॉल पे ना, फुटबॉल पे। हेलो। हेलो नमस्ते अंकिल। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, ड्राइव करने के गाड़ी। हाँ बोलो। 2 मिनट चाहिए था आपका। क्या काम? काम ये है कि ये जो समाज में हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलत क्या हो रहा है भाई ऐसा समाज में? जानवरों के लिए इंसानों के अंदर जो सलमान खान है, सलमान खान मतलब प्रेम, जानवरों के लिए जो दिल में प्रेम है वही तो प्रेम ही तो सलमान, जो जो प्रेम है वो ठीक है, लेकिन सब जानवरों के लिए क्यों नहीं है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखो, डॉगी के लिए प्रेम है, गाय के लिए प्रेम है, हाथी के लिए प्रेम है, भैंस के लिए कोई प्रेम नहीं है। हम लोगों को अब तो चाहता क्या है? चाहता ये हो कि हमारी एक संस्था है ऑल द भैंस, हम लोग भैंस के अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। भैंस के लिए? एक सेकेंड, बच्चा, आप बच्चे जब थे भैंस का भी दूध पीते थे ना? हाँ, सब लोग पीते हैं। हाँ। लेकिन जब ऐसे यानी निबंध लिखना होता है तो गाय पे लिखते हैं, हाथी पे लिखते हैं, कुत्ते पे लिखते हैं, भैंस पे निबंध लिखा है कभी? अरे पागल हो गया या भाई। एक सेकेंड, काला अक्षर किसके बराबर है? भैंस बराबर। मैं क्यों भैंस बराबर? बाकी लोग क्या पोस्ट ग्रेजुएट है? बकरी पोस्ट ग्रेजुएट है, भैंस ही भैंस। एक सेकेंड, कोई गलती करे तो बोलते हैं गई भैंस पानी में, पानी में, और बाकी लोग क्या कोल्ड ड्रिंक में जाएंगे? भैंस को पास। एक सेकेंड, भैंस के आगे वो नहीं बजाते क्या? बीन, बीन बताओ, बाकी लोगों के आगे हिमेश रेशमिया का गाना सुनाते हैं क्या? एक सेकंड, तू लड़का है? हाँ। हाँ क्या, कंफर्म कर एक बार। अरे क्या, सॉरी, तू लड़का है, तेरे को अगर मैं कूल गाय बोलू तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? गाय, हाँ। कूल गाय, हे कूल गाय। हाँ, हाँ। किसी लड़की को मैं कूल भैंस बोल दूँ तो कैसे लगेगा?
चप्पल मारी बताओ इतना डिस्क्रिमिनेशन भैंस के साथ, वो तो शुक्र है भगवान का कि बेबी आ गई है, वरना हमको तो कोई पूछता नहीं। क्या बोले यार, क्या बोले, एक सेकेंड, उसको हम लोग पसंद है ना? किसको पसंद है भाई? बेबी को भैंस, देखो बेबी को भैंस पसंद है। एक सेकेंड, गलत मत बोल, बेबी को भैंस पसंद, गलत मत बोल। सलमान का गाना है, गाड़ी लेके पीछे भेज दूंगा। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, जरूरी बात पूछनी थी। क्या? यही कि मेहनत रंग लाती है। हाँ सही बात है, मेहनत रंग लाती है भाई। तो रंग लाती है तो कौन सा रंग लाती है, यही समझ नहीं आ रहा। वो तो कहने की बात है, मेहनत रंग लाती है कहने की बात। नहीं तो जैसे किसान मेहनत करता है खेतों में, तो मेहनत हरा रंग लाती है फसल बन के। अच्छा ये बात तो है। उसी हिसाब से कौन सा? हमारे मास्टर जी जो स्कूल में थे, उनकी मेहनत नीला रंग लाती थी। पूछो कैसे? कैसे? स्केल होता था ना, हाथ पे दे स्केल, उनकी मेहनत से नीला रंग आ जाता था हमारे हाथों पे। अबे मैं मास्टर होता ना, तुझे स्केल हाथ पे नहीं। बस बस, गलत मत ना बोलिए आप प्लीज। बात बताओ। हाँ, क्या मेहनत से काला रंग भी आता है? बिल्कुल आता है, अभी हाल ही में आया। अच्छा कौन सा आया? वो एक नेताजी की सीडी नहीं आई है जिसमें गलत काम कर रहे थे? हेलो हेलो। हाँ तो उन्होंने वो मेहनत करी तो उनका भी काला रंग आ गया, मुंह काला हो गया, तो मेहनत रंग लाई। अच्छा एक ही बताओ। हाँ। तो काला रंग आ गया, नीला आ गया, हरा आ गया। हाँ। लाल और पीला चाहिए था। अच्छा लाल और पीला चाहिए तुझे? हाँ जी। पीला रंग निकालने का तरीका बताता हूँ। अच्छा कैसे? रात को खा तू, मेहनत से खा, खूब मेहनत करके खा तू, और सुबह जब तू करेगा ना पानी लेके तो पीला रंग निकलेगा। मेहनत पीला रंग लाएगी सुबह है? हाँ। और लाल रंग? हाँ बता देता हूँ ना, तो उसके लिए तुझे डंडा लेके मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा तब क्या करोगे आप? डंडा लेके आएगा ना, तो तुझे उल्टा लटका के पीछे तेरे दे डंडे पे डंडा। पीछे मतलब? पीछे मतलब कहाँ? पीठ पे? पीठ पे तो थोड़ा ऊपर चला गया बेटा, थोड़ा नीचे आ पीठ से। पीठ से नीचे कमर पे? कमर से भी थोड़ा सा नीचे आ गया बेटा। कमर से नीचे? अच्छा जांघों पे? नहीं जांघों से थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा ऊपर? अच्छा कमर पे? अबे कमर के बाद तेरी चीजें जांघे शुरू हो जाती है। तो आप बोल दो ना सीधा, ऊपर ही नीचे, ऊपर ही नीचे कर ही रहे हो। हाँ ऊपर नीचे पड़ेगा ना जंगल। लाल रंग रख दो फोन, गलत मत ना बोलो। अबे चल बस। उसने जाना की माई गॉड, इतना भद्दा गंदा चीची बोला, उसके चीख बाद इतना एक्सक्लूसिव गाना। मत का भाई। हेलो, आई थिंक इट्स वेरी टफ जॉब टू ट्रैवल। नॉट अ टफ जॉब, ट्रैवलिंग इज वेरी कन्वीनियंट इन दिल्ली। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बात कर रहा हूँ, दो मिनट आपसे चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जेकब से लिया। किससे लिया? जेकब से लिया, फ्रॉम सिबाकलूसिया। मेरा फ्रेंड आया है बाहर से, बाहर दूसरी कंट्री से। उसको है कौन भाई, मेरे को क्यों बता रहा है? जब आपसे दो मिनट मदद चाहिए ना, इसको दिल्ली घुमाना है, पता नहीं कहाँ। मदद अपने रिश्तेदारों से ले, अपने यार दोस्तों से ले, मेरे से क्यों ले रहा है? मैं जान ना बेजान। ओ गलत बोल रहे हैं आप, जेकब सुनेगा तो क्या बोलेगा? उसको क्या समझ आ रहा है, बावली अंग्रेज का लग रहा है। गंदा मत बोलिए जेकब। वॉइस सेड? हाँ वॉइस सेड। नो सेड बोलते रहे जेक। नो ही टेलिंग अस घूमना कहाँ, ही टेलिंग अस वेयर टू गो एंड सी। भाई साहब प्लीज एक दो जगह बता दो जहाँ घुमा दूँ प्लीज। भाई मेरे से क्यों पूछ रहा है? प्लीज ना प्लीज। ले जा डाले ना इंडिया गेट, ले जा इंडिया गेट। जेकब विल गो टू इंडिया गेट इन सम टाइम, आई विल शो यू। नो नो इंडिया गेट आई डोंट वांट टू सी अ गेट, आई वांट टू सी होल बिल्डिंग। एवरी कंट्री हैज अ गेट, एवरी इंडिया हैज अ होम, एवरी पर्सन। को बता कि वो सिर्फ गेट नहीं है, बहुत बड़ी मॉन्यूमेंट है वो दिल्ली का। वो बोल रहे खाली गेट थोड़ी देखना, पूरा बिल्डिंग देखना। बावली कुछ बाहर से पता नहीं कहाँ से आ गया। एक गंदे, आपने बावली क्या बोला? बावली खड़ी बावली। I want to go there, खड़ी बावली। खड़ी बावली बोल रहे हैं आप, बावली वो बोल रहे हैं। एक सेकंड, तो कहाँ? मुझे बता कि मैं क्या बोल रहा हूँ इंग्लिश में, बावली को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता। नहीं ये बोल रहे बावली, ही सेइंग बावली बैक साइड। Yeah, beautiful, beautiful. I know, it's a very beautiful place. साले यही beautiful लगेगी तुम्हें। एक सेकंड अंग्रेज। दूसरे साले लूट के खा गए हमें, फिर अपनी मार में आ रहे हैं आप। What is it? कोई दूसरे जगह बता दे भाई प्लीज, जेकब सीलिया उसको घूमने है। पुराने के लिए ले जा, वहाँ दिख जाएंगे तो दो चार कप से।
जेकर वी गो टू पुराना किला है ना, आई डोंट वांट टू सी पुराना, आई वांट टू सी न्यू किला, आई डोंट वांट टू सी पुराना किला। न्यू किला क्या तेरा फूफा बनाने आ रहा है न्यू किला घर चल। थैंक यू सो मच एंड आई वांट टू थैंक यू बोल दिया आपकी गंदी बात पे भी थैंक यू कैसे कोई बोल यही तो बावली नहीं ऐसे नहीं पता बावली बैक साइड बोल दिया यार वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ब्यूटीफुल प्लेस तेरी ब्यूटीफुल प्लेस थैंक यू सो मच सिंपो थैंक यू करता तेरी भाई साहब एक आखिरी जगह बता दो इस बावली का बात करा ही वांटेड टू टॉक टू यू हाउ आई एम जैक ऑफ सीलिया माय कंट्री इज सिवाक सीलिया हमें साले कंट्री है टूथपेस्ट का नाम है तो वेरी डेवलप्ड नेशन दिस कंट्री एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू घुमा के बावली बावली क्या बावली बैक साइड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस थैंक यू वेरी मच ऑल ओवर नाइट जैकब सीलिया फ्रॉम सिवाक लुसिया सिवाक लुसिया फॉर रेगुलर फन अपडेट्स सब्सक्राइब रेडियो प्रैंक कॉल्स नाउ हेलो जी नमस्कार डंकी मैं बबुआ बोल रहा हूँ उनका कनेक्शन है जी है। क्या नंबर है आपका जरा बताइए यार नंबर है मेरे पास मैं नहीं लगाया है ना फिर भी बता दें आप अरे आप पूछेंगे तो मुझे बताना ही तो पड़ेगा ना कुछ भी पूछूंगा कुछ भी बताएंगे मैं कुछ क्यों बताऊंगा आपको पूछेंगे वो बताऊंगा आपका सिग्नल बराबर आ रहा है हम लोग क्वालिटी चेक कर रहे हैं फोन लगा हाँ सिग्नल ठीक आ रहा है कभी कभी ऐसा होता होगा ना सिग्नल बीच में ब्रेक हो जाए वो तो सब में होता है कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए दूर हो जाए हाँ करा मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर सुनाई दे सिग्नल के साथ तो आप एक दबाएं हाँ चल आगे कर नहीं सुनाई दे तो दो दबाएं ठीक है पहला स्टेटमेंट इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए छोटा तो भीम भी होता है हाँ क्लियर आ रही है मुंह से बोलने को बोला या एक दबाने को बोला मैंने हाँ दबा दिया इतना जोर से मत दबाओ आराम से ठीक है आप ही का है आराम से दबा हाँ ठीक है आप ही का एक है आज आगे और भी मौका मिले सॉरी हेलो हाँ टीचर ज्यादा नंबर देने वाला होना चाहिए अंडा तो मुर्गी भी देती है क्लियर क्लियर आजी बेटी लड़की में दिमाग होना चाहिए सूरत तो गुजरात में भी है हाँ क्लियर आज बहुत बढ़िया हेलो हाँ देखिए लड़का द्रविड़ जैसा होना चाहिए द्रविड़ हाँ राहुल तो वेरी नाइस आवाज क्लियर अब एक दबाए नहीं आपने हाँ दबा दिया मैंने मुझका वैसे तो ये भी होते हैं आवाज तेरी क्लियर नहीं आ रही क्या दबाया दो दबाया कैसे पता चले दो दबाया तूने एक ही दबाया अबे तेरे को कैसे पता मैंने दो दबाया दो दबाए नहीं दो तो ऐसे होता है एक मिनट एक दो अरे मैंने दो नंबर का बटन दबाया नहीं दो नंबर एक और दो नहीं दबाया अच्छा दो बार नहीं दबाया ना अरे दिमाग ना खराब दिमाग खुला मैं कर रहा हूँ तो दबा रहा हूँ एक सेकेंड टीवी ब्लैक होना चाहिए रंगीन तोड़ाते भी होती हैं इतना लम हेलो क्या कर रहा है बटन अटक गया लड़की चाइल्डिश होनी चाहिए मैच्योर तो पॉलिसी भी होती है लगता है रख दिया हेलो हेलो हाँ जी कौन नमस्ते अंकल नमस्ते कौन बोल रहा मैं बबुआ बोल रहा हूँ पहचाना नहीं मैंने तुमको हो जाएगी भाई पहचान हो जाएगी दो मिनट चाहिए था आपका चल बोल जल्दी फिर आलस क्या आलस आलस आदमी का शत्रु होता है नहीं होता भाई क्यों होता है आप भी आलसी हो क्या और क्या भाई सारे आलसी होते हैं सब सब चाहते हैं यार कि बैठा रहे काम कोई और करता रहे पैसा हमको मिलता रहे अच्छा कोई और करे और पैसा आपको मिले हैं और क्या तो आप वो टॉयलेट खोल लो ना कोई और करेगा पैसा आपको देगा टॉयलेट सुनिए मेरी भाई ठीक है तीन लड़के थे इतने आलसी थे एक दिन खाना खा रहे थे अच्छा खाने में नमक कम था अच्छा एक ने बोला यार जा नमक ले आ अच्छा उसने कहा नहीं यार मैं नहीं जाता तू ले आ तीसरे क्योंकि तीनों आलसी थे कोई जा नहीं रहा था नमक लेने के लिए तीनों बैठे हुए थे फिर तीनों ने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा नमक वही लाएगा अच्छा फिर तीनों बैठे रह गए बैठे रह गए बैठे रह गए खाना ठंडा हो गया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन भूख के मारे बेहोश हो गए जल्दी बोल देना सर यहाँ तीनों बेहोश हो गए तो पड़ोसियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं अच्छा तीनों को उठा के चिता पे लगा दिया उन लोगों ने अच्छा तो पहले को जैसे आग लगाने गए वो उठ के बैठ गया कहता यार अरे मैं तो जिंदा हूँ अच्छा फिर बच्चा बाकी दो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तू उठ गया ना जा नमक लेके आ जा बच्चे तेरी को भी गंदा बोल रहे भीड़ भी चल एक कहानी मैं तेरे को सुनाता हूँ कौन सी आलसी वाली हाँ आलसी वाली मैं सुनाता हूँ हाँ, सुना सुना एक बार एक बंदा होता है हाँ। वो पेड़ के नीचे बैठा होता है अच्छा
उस तरह पेड़ से जामुन गिरते रहते हैं और वो जामुन खाने भी होते हैं पर वो पेड़ से भी गिरते रहते हैं, उसको उठाने का मन भी नहीं करता, इतना आलसी होता है। ठीक है, तो साथ में एक बार एक बंदा जा रहा होता है तो उसको कहता भाई खिला दे जामुन, तो जामुन क्या कहते हैं उसको उठा के खिलाने लग जाता है, वो उसके मुंह में डाल देते हैं एक जामुन करके। फिर वो आदमी जब जा रहा होता है तो कहता है उसको घुटनी तो निकाल दे। इतना होता है। यार तेरा दोस्त थोड़ा घटिया था लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। मेरा घटिया तेरा बढ़िया, तू गुठली उसने गुठली निकाली कि नहीं जामुन की? हाँ गुठली निकाल दो, तेरी में डाल। भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सेंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है, ये सुनिए। और इधर तू चल पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है, मुझे घर बुलाता है भगवान, बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो, हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंगिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बाप रे क्या पैसे 30 रुपए रोकते हैं? 30 रुपए गंदा क्यों बोल रहे हो? बउआ बोल रहे हो? पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में कौन आए, कौन आएगा? सेंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, वो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बेंटा जी हैं। बेंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि उसकी लाइफ में सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, घंटा आएगा, एक आदमी किस किस के घर जाएगा। भाई क्या कह रहे हो तुम? देखिए हमारे साथ बेंटा जी हैं, ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं बेंटा तुम मुरादे पूरी कर दो, आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिश है बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं, सेंटा पूरी कर देंगे। सेंटा नहीं, बेंटा, बेंटा क्योंकि सेंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता दीजिए। फॉरेन जाना है इनको? फॉरेन जाना बेटे? हाँ। अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। गाड़ी लेनी है। हो, 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 इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस बच्चा मैं बाप को दिलवा दिया, उसी में बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला, मन्नत जैसा बंगला चाहिए। मन्नत जैसा? रैन बसेरा चलेगा? ओ रैन बसेरा मन्नत जैसा बंगला सब चाहते सेंट आएगा, सेंट आएगा, सेंट आएगा, घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ कहाँ जाएगा। फॉर रेगुलर फन अपडेट्स सब्सक्राइब रेडियो प्रैंक कॉल्स नाउ। रौनक के साथ मॉर्निंग नंबर वन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, स्वागत आप सभी लोगों का। और आज बउआ ने जिनको फोन लगाया था वो सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐसी बात बउआ को पता चली थी जिसके चक्कर में कहा कि आज बात के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी। एक भाई साहब हैं जिनके घर बेटे के इंतजार में तीसरी बेटी इसी नवरात्र में हुई, मुबारक है भाई। जब देवी की पूजा करते हैं तो घर में देवी आई तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन ये बात हम कह रहे हैं ना, कई फैमिलीज अब भी हैं जो सेलिब्रेशन के बजाय डिप्रेशन में चली जाती हैं इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर कि बेटा चाहिए था फिर से एक बेटी आ गई। तो इसी चक्कर में जब उनको फोन लगाया तो कैसे क्या बात हुई बउआ की उनसे, थोड़ा सुनिएगा सर। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते जी, बात कर रही है? हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए जी? घर में बिटिया हुई है ना जी। हेलो एक नहीं, मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपको घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो नमस्ते जी, जी फोन कट गया था, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी, वो बधाई दे रहे थे ना बिटिया हुई है। हाँ जी तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं। भैया जी एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे, लक्ष्मी आ गई।
हाँ जी थैंक यू जी। क्या हुआ? हेलो, परेशान क्यों लग रही हैं? स्माइल ही नहीं कर रही हैं। आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया। नहीं थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई हमारे यहाँ बड़े टाइम से काम कर रहे हैं, दोस्त हैं हमारे। सुना नरेंद्र भाई की लड़की हुई है तो सोचा कि फोन लगा दें, तो हमने सोचा दादी जी को ही पहले बोल देते। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार मम्मी, आप फोन। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना? नहीं है? बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं, कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? क्यों काट दे रहे? दे दी ना आपने बधाई? नहीं बधाई दे तो दी, पर आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे गुस्सा हूँ कुछ मर्जी हूँ, आपको क्या लेना देना। आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार। नहीं तो ये एक मिनट, आपकी दो बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? क्यों आखिर क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैं तो अरे रिएक्ट टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप छोड़ो। आपने दे दी बधाई, हमने नहीं तो आप हो गई। नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप आड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कंजकें खिला दी आपने कली? हाँ तो हो गई भैया, आप बताओ। नहीं तो उसमें आपने मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे कि बिटिया चाहिए घर पे, कंजकें चाहिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो हाँ। खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजके कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका 93.5 रेड एफएम, सुनने से ज्यादा समझिएगा। हेलो हेलो, कौन अंकल? मैं बउआ बोल रहा। कौन बउआ? जी मैं बउआ। मैं कौन था बउआ? कोई और है मैं दे रहा हूँ इंडिया में। अरे काम बताना। अच्छा काम, सॉरी सॉरी। आप दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ा जाऊँ। रुक जा, खोल रहा हूँ। हाँ खोलिए खोलिए, कट दिया मैंने खुद ही। अरे बाहर तो तू है नहीं? मुझे पता है मैं बाहर ही नहीं हूँ। फिर ऐसे क्यों बोला कि मैं बाहर हूँ? अच्छा अपनी फूल बना देता ये। फोन मत कर, एक सेकंड। हेलो, आप फोन नहीं, फोन रख, आप फोन रख ही नहीं पाएंगे, बताऊँ क्यों? क्यों? ये एक स्पेशल फोन है, आप काटेंगे तो फोन कटेगा नहीं, पता है? हो जाएगा, अभी काट के दिखाऊं। हाँ कर दो, कोशिश कर दो। अच्छा हेलो हेलो बउआ हियर वन सेकेंड। तू तो बोला था फोन कटेगा नहीं, मैंने काट दिया फोन। पता है यही तो है कि अपनी फूल बना देते। आज सुबह सुबह पता है मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पूछे कैसे? पानी को कैसे अप्रैल फूल बनाया? मैंने उसे गर्म किया नहाने के लिए। अच्छा, और नहाया ही नहीं। हेलो एक मिनट रुकी, मैंने तो स्कूल में टीचर को भी अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करी थी। कैसे? मैंने बोला मैं कम इन टीचर। अच्छा, फिर टीचर ने बोला बउआ कम इन। तो तू अंदर ही नहीं गया होगा, मुझे पता है। नहीं नहीं मंडट गया था, अब टीचर से कौन पंगा लिया है कि नहीं? क्योंकि मेरी बात सुनिए, आखिरी चीज एकदम लास्ट। हाँ बोल। मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा अप्रैल फूल बनाने का। चल बता। एक तो यही था, चार अगले साल बताऊंगा, ठीक है? अप्रैल फूल बना। हेलो काट दिया क्या? अबे हाँ काट रहा हूँ, थप्पड़ी मार रहा हूँ।
प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है, कह रहे हैं सही बात क्या है, इस पे जरा बउआ बन के थोड़ी मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो हेलो जी नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इशारा मिलेगा? इशारा इशारा तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, और कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे यार, पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड जी। सर क्या क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा आलू कढ़ाई आलू रायता आलू आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला आलू मार के सॉरी। अरे पागल क्या? हेलो एक सेकंड भाई साहब आप रुकिए वेटेड, आपके पास इशारा होगा एक कप ले आना। फ्लेवर फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर्स बात करा है जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर की बात करिए। वेटर ऑनलाइन इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे क्या? नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कहीं नहीं। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रही है? सारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता? अच्छा समझ रहा है इशारे का तू? ठीक है अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान से मेरा दिमाग खराब नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इशारा चाहिए क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? कॉफी होता है। कॉफी होता है तो सर ये बोलना था ना, यहाँ पर आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो समझ में नहीं आ रहा इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ अंकल, आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो मेरा दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे आप? बोलिए मैं बनाता हूँ कप अपनी। नो फॉर रेगुलर फन अपडेट्स सब्सक्राइब रेडियो प्रैंक कॉल्स नाउ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? डिस्टर्ब किया क्या मैंने? बता लो कौन बोल रहा है। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। कौन बोल रहा? लगता है आवाज धीमे आ रही, सो रहे हैं या कहीं हो पता नहीं। हाँ बताओ कौन बताओ। कल मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने गया था। हाँ। पेशाब टेस्ट करवाया। हाँ। बॉडी का पूरा एक्सरे एमआरआई सब कुछ करवा लिया। क्यों करवाया? क्यों? ए पॉजिटिव आया, बी पॉजिटिव आया, सी पॉजिटिव आया, लेकिन आर पॉजिटिव नहीं आया। आर पॉजिटिव? हाँ। क्या? रावण। रावण पॉजिटिव नहीं आया। मतलब आपके पास भी मैसेज आया होगा ना कि अंदर होता है रावण, उसको जलाओ। हाँ। उसको मारो। हाँ। अंदर रावण ही नहीं मिला, टेस्ट में आया ही नहीं। मैंने तो कल फिनाइल भी पी लिया, एडमिट हो गया। सोचा कि पी लूंगा तो अंदर का रावण मर जाएगा, लेकिन मैं मरते मरते बच गया, अंदर रावण मिला ही नहीं। अंदर रावण होता है? होता है। अंदर कहाँ होता है? इसीलिए फोन लगाया मैंने आपको। आप धीरे बोल रहे हैं लेकिन बोलिए, बोलना जरूरी है। अंदर कहाँ होता है? अंदर वहाँ होता है। कहाँ वहाँ? जिसका नाम गस होता है। ग से? ग से ग से होता है वहाँ रावण होता है। ग से तो गला होता है, गले में होता है। नहीं नहीं वहाँ 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 गर्दन। ग से गर्दन? नहीं नहीं वहाँ वहाँ गाल। गाल से? ग से गाल। नहीं 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 नहीं। अच्छा गुर्दा? गुर्दों में? नहीं नहीं नहीं। गॉल ब्लैडेड में? नहीं नहीं। कहाँ होता है आप ही बता दो ना। भी गो कब से? जहाँ से वो होता है इंसान गंदा, गलत बातें, गलत विचार, गलत गालियाँ जो दूसरों को देता है वो होता है ये ग, ग इसी इसी वाला ग बोल रहे थे आप? और क्या बोल रहे थे? अच्छा शायद गलत नंबर लग गया। नहीं मुझे लगा। तुझे क्या लगा? नहीं अकेला मुझे ही नहीं, हजारों लोगों को यही लगा कि शायद आप वो बोल रहे मतलब। वेरी गुड। कुछ लोग हमारे सहयोगी ताली बजाना चाहते हैं आपके लिए। आप जैसे बहुत कम लोग हैं इंडिया में।
टाइगर टाइगर से ज्यादा आप लोगों को बचाना चाहिए हमें। एक एक रखते रखते मैं रावण के ऊपर एक आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार रावण डिस्को जा रहा था, डिस्को में एंट्री से पहले ही बेहोश होकर गिर गया। बताओ कैसे? डिस्को के बाहर लिखा था एंट्री 1500 रुपीज पर हेड। गंदा बोल रहे हैं। हेलो हेलो जी, ऑप्टिशियन चश्मे वाले? जी जी जी, बताएं। बात कर सकते हैं अभी? जी क्या? शादी का कार्ड छपवाना है। अरे आपका चश्मे का दुकान है, चश्मे का ही पूछना है ना, क्या पूछना है? जी आप वही तो मैं कह रहा हूँ। सॉरी, मैं कह रहा था जी, मेरा नाम बउआ है। अच्छा, मेरे को ना जो प्रॉब्लम है ना, हाँ, उसके लिए मैं सोच रहा था चश्मे के लिए। तो फोन पे नहीं हो पाएगा ना सर, आप दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मेरी कुहनी में है। कुंडली में? अरे यार आँख में होगा ना, आप टीसीएन को फोन किया तो। हाँ, कौन सी आँख में दिक्कत है? मेरी बाई तरफ की दोनों आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाई तरफ दो आँखें है? नहीं, हाँ, बाई तरफ दो है, दाहिनी तरफ दो है, टोटल चार है। सॉरी, आप गलत क्यों बोल रहे हैं, सुनिए मेरी बात। मैं कल गया था डॉक्टर के पास। अच्छा, डॉक्टर क्या बताया उसने? गुलाटी रहते हैं। अच्छा, गुलाटी ने क्या बताया? जी बोलना, बड़े हैं तेरे से। मैं गुलाटी की क्या? मैं उनको आँख दिखाने गया, उन्होंने पिटाई कर दी। है? क्यों? कहते मुझे आँख दिखाएगा तू, आँख इतना बड़ा हो गया, मुझे आँख दिखाएगा तू? गलत मत बोल। हेलो, जो आँख में जो धुंधलापन है ना, ठीक ठाक दिखाई देता, होर्डिंग पढ़ लेता है ना तू? होर्डिंग पढ़ लेते हैं मैं, चांद, सुनो, चांद तो ठीक से दिख लेता हूँ। अच्छा, गाजियाबाद नहीं दिखता मुझको। मेरी बाई तरफ की जो दोनों आँखें हैं उनका। अच्छा। सुन सुन, पहले ये बता तेरी चार आँखें हुई कैसे? सपना सपना कल मिला था, वो मेरे को मिली थी पालिका बाजार में। अच्छा, आँखें चार हो गई उसी से तो। आँखें चार? गलत मत बोल, डॉक्टर गुलाटी के पास घर से घोड़े का इंजेक्शन है, घर से। अच्छा, घर से घोड़े का है तो लाल से जो है ना, ल एक मिनट, गंदा ल से लंगूर होता है, ठीक है? मनोरंजन चल। हेलो, अरे अरे अंकिल नमस्ते, कौन बोल रहा है? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे पहले इसे को चुप करा, जरूर तो बात होंगी। अरे अंकिल मैं खिड़की पे खड़ा हूँ ना, नीचे कोई कुछ बेच रहा है, मैं कह रहा हूँ आप भी ट्रैफिक में लग रहे हो। नहीं ट्रैफिक में तो नहीं हूँ, ये कह रहे थे मैं। पहले इसे तो चुप करा ले, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। एक सेकेंड रुकिए, ये कौन है? कौन? मैं बउआ हूँ। अरे तू तो बेटा बउआ है, ये पीछे कौन बोल रहा है? इसीलिए तो नीचे आ गए ना अपनी बिल्डिंग से, आपने कहा था इसको चुप करा दे क्योंकि हमारे बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई तो चिल्ला के कुछ बेच रहा होता है। अरे कौन है, चुप करा। आप किसको बोल रहे हो गंदा? अरे मैं उसे ही बोल रहा हूँ, उसे पहले बुला और उससे पूछ के क्या बोल रहा है। एक सेकंड, अच्छा क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड रुको, मैं पूछता हूँ। फिर भी चिल्ला रहे, अभी देख रहे हैं आप। एक सेकंड, तेरी सेकंड रुकी, आ गया मैं उसके पास। भैया क्या चिल्ला रहे थे आप? अरे पूजी, इसका मतलब क्या है? इस किस चीज का जो चिल्ला रहा है भाई साहब? मतलब पूजी क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए, भैया क्या बोल रहे हो अभी चिल्ला के? देखो भैया जो चिल्ला के बोल रहे हो उसको जरा तसल्ली से बोलो ना, आप क्या बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? भैया हम कह रहे हैं हम खाली घूम रहे हैं। मतलब चिल्ला के बोलिए एक बार, खाली हो रहे हैं। फोन कराया मुझे, कौन सा? एक सेकंड भैया, खाली क्यों घूम रहे हैं? मतलब नोट नहीं है, खाली घूम रहे इसलिए। एक बार फिर बोले, नोट नहीं, खाली घूम रहे हैं। क्या हाल चाल? नमस्कार। बउआ को टॉपिक मिला था कि एक लड़की है, इंटरनेट कनेक्शन बेचती है, प्यारी भी है, इरिटेट भी करती है, बउआ कुछ कर सकता है क्या उसपे? सुनिए। हेलो भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी बउआ जी। जी नहीं। जी तो टू के आगे, थ्री के आगे, फोर के आगे जी लगता है, तो वो टू जी। अच्छा, थ्री बोल बोल बोल। मैं दो मिनट चाहिए था। मैंने पहचाना नहीं, कौन? बउआ, बताया तो मैंने।
कौन बउआ? अरे मैं बउआ। अरे मैं कौन? आप मुझसे क्यों पूछ रहे मैं कौन? आप कौन है आपको नहीं पता? अरे तू बता ना। वो एक लड़की आती है एड में टीवी पर। हाँ कौन सी टीवी, कौन सी एड? वो छोटे बाल वाली सिम कार्ड बेचती है इंटरनेट का, बड़ी तेज लड़की है भाई। अरे तेज भी है प्यारी भी है, तू कौन है? मुझे क्यों गलत बोल रहे? उस लड़की के लिए मेरे को बोल रहे भाई। मैं फोन रख दूँ यार। एक सेकंड सॉरी, बहुत तेज। एक मिनट, एक ओवर पहले वो शिमला में रहती है। अच्छा। अगले ओवर में वो शिलांग पहुँच जाती है। भाई बड़ा ए, बताओ ना। अरे क्या, मैं क्या बताऊँ? एक सेकंड रुक जा। वो पैदा होते इतनी तेज लड़की है, मेरे को तो लगता है जिस दिन वो पैदा हुई होगी अगले दिन ही पांचवी कक्षा में पहुँच गई होगी। वैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता? T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता है? तो फाइनल हुआ ही नहीं अभी तक। उसने तो देख लिया होगा, बहुत तेज लड़की है ना, उसको पूछना पड़ेगा। अब तो पागल है क्या उसने? एक सेकेंड, आपने अभी 3-4 दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया? होली। वो 2018 का मकर संक्रांति मना रही है आज। बहुत तेज लड़की है। तो मैं क्या करूँ तेज? एक सेकेंड रुकिए, वैसे मेरे फोन में भी 6G है। 6G? हाँ बताओ कैसे? तेरे चाचा ने बनाया? मैं बता रहा हूँ ना, ड्यूअल सिम है। ड्यूअल दो सिम है, एक में 3G दो में 3G, टोटल 6G। अबे पागल है। वैसे 6 से याद आया, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल होती है और इतनी होती है। अरे यार दिमाग नहीं लगाया ना तूने, एक ओवर में एक ही बॉल होती है, 6 बार फेंकी जाती है। और एक चीज बताता हूँ उसी लड़की से संबंधित, गुफा में पहाड़ के बीच दड़ाड़ में 4 लड़के बैठे हैं, मोबाइल पे हंस हंस के जो देख रहे हैं, वो अंदाज अपना अपना आज के जमाने में 4 लौंडे। अबे तो तेरे को क्या करना है? कुमड़ा कर रहे हैं, आज अपना अपना देखोगे तेजा मार के। एक बात बताओ, 3G में जो जी होता है और पार्ले जी में जो जी होता है वो एक ही जी है क्या? मतलब वो एक ही जी है और जी का मतलब फोन का। हेलो नमस्कार जी अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी, स्वागत है आपका। कहाँ स्वागत है, किससे बात करनी है? आप अगर 2 मिनट दे तो हम शुरू कर सकते हैं। किस चीज के 2 मिनट, क्या हुआ क्या? हर हफ्ते एक ऐसी विशेष चर्चा आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए करते हैं। अरे किससे बात करनी है ये तो बताओ। ये बैरागी जी है ना चर्चा? कौन बैरागी? ये एक्सपर्ट बैरागी। और मैं एक्सपर्ट है, हर चीज में एक्सपर्ट है। शुरू करो, क्या करना है? शुरू करो। इन्होंने कहा इस बैरागी का जो टॉपिक है वो ये है कि कान पर जू नहीं रेंगती। किसने उठाया ये मुद्दा? मुद्दा कोई भी उठाया, जवाब बैरागी जी आप दीजिए। अच्छा दीजिए। बहुत ही बात आज की नहीं है, जूओं की प्रजाति सन 1956 में काफी विकसित हो रही थी। अच्छा। उनके राज्य में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन पंचायत ने कहा कि जो भी बदमाशी करता है उसकी तोड़ दी जाएगी। क्या तोड़ दी जाएगी? क्या तोड़ दी जाएगी? बताओ ना युवक, क्या तोड़ी जाएगी? तोड़ी जाएगी और क्या तोड़ी जाएगी? मेरी नहीं, उस वक्त बदमाशों की, यही जो इन्होंने बोला। तो अच्छा। उनकी वो फलाना चीज तोड़ी जाएगी तो पंचायत में? पंचायत ने बोला, बदमाश डर गए। लेकिन यही बात जुओं की रानी सिल्की देवी ने सुनी। जुओं की रानी? कौन है भाई, कौन सिल्की देवी? जुओं की रानी थी। अच्छा। जैसे ही सिल्की देवी ने सोचा कि इनकी तो कान तोड़ दी जाएगी। अच्छा, उनके सुनने में फेर हो गया। पंचायत ने तो कान नहीं बोला था, क्या बोला था? तोड़ी जाएगी और क्या तोड़ी जाएगी। सिल्की ने जब सुना कि ये तोड़ दी जाएगी तो उसने पूरी सल्तनत को ये ऐलान भेज दिया कि किसी के कान पे मत रेंगना, क्योंकि कान तो टूटने वाली है। टूटने वाली भाई। अरे और एक दिन से कोई भी जू कान में नहीं रेंगती, क्योंकि कान टूटती तो नीचे गिर जाती तो जख्मी होती। वाले भाई साहब, कैसी लगी ये चर्चा? बैरागी से बात कर, बैरागी जी बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कैसी लगी अभी? शुक्रिया कान की जगह बोल रहे हैं। क्या नाम है बैरागी जी का? सिंड्रोम बनर्जी। सिंड्रोम बनर्जी, सिंड्रोम बनर्जी। ये चर्चा यही खत्म हो गई। बोल सकते बस करिए। इस बार की चिट्ठी कहाँ चाहिए? बैरागी की चिट्ठी आई है लॉस वेगास के गांव पबनावा से। पबनावा, वहाँ से कंचुकी वर्मा लिखती है। ये वाइज आर एफ से रॉकिंग है। कंचुकी वर्मा एफ से रॉकिंग। हेलो। हेलो अंकिल। कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। नहीं हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो। अब सुन, नौकात मेरा है कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है। बिल्कुल।
टू तड़ाक इतना भर दिया गया भाई आठ किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है, आप मानते हैं कि नहीं? हेलो, मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे हैं कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे, जैसे मैं गाने गाता हूँ आज फिर तुम पे, आज फिर आप पे प्यार आया। नहीं, नाम चिल्लाने अपने। शकील 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 ओके ठीक है दिनेश, आर यू रेडी? यस। ये देखिए पहला गाना हम शुरू कर दिए मिलके। जाने ना, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, आप जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके नेक्स्ट सॉन्ग को सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड 2-0। हेलो दिनेश जी, क्या हो रहा है ये? ओ साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दो, मेरे को गंदे फोन नहीं काटना। नहीं एक सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, आप ठीक है? हाँ दे दे दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक है। इस नौजवान को एक मौका और। दिनेश सुनना है, सुन, तू इतना भड़क मत। शकील जी आपसे मैं इजाजत चाहूँ। इजाजत है, बेशक बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कॉम्पिटिशन खिला रहा है, तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदारी में, जो तुझसे इजाजत। स्टार्ट कर दे। आप 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 मतलब ये कि सिंगर हरकतें दिखा रहा है, कितनी हरकतें ले सकते हैं। शफकत अमानत अली मेरे फेवरेट सिंगर्स में से एक, सुपर हिट्स 93.5 FM के मॉर्निंग नंबर वन पर, यारिया मूवी से अल्लाह बारिया। 10:40 ऑलमोस्ट, गुड मॉर्निंग। और एक बार आज मैं बहुआ बढ़िया मॉर्निंग नंबर वन पे। और किसी ने कहा विवेक भाई के कॉल आया था, उन्होंने टॉपिक दिया, कह रहे थे अगर कभी बच्चों को पढ़ाने बैठो रौनक भाई, तो पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ ऐसे लॉजिक दे देते हैं कि वो सामने वाले को पढ़ा देते हैं। इसी में मस्ती क्या हुई इधर से। हेलो, अच्छा मेरे को मारिए मत आप, तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? बेटा मास्टर जी, ऐसा नालायक बच्चा मेरी कक्षा में नहीं पढ़ सकता। हेलो, एक सेकंड। नालायक। हेलो, हाँ कौन? मेरे गुरु जी डांट रहे, तू कौन कौन कर रहा है? एक सेकंड रुके, आए मत। तूने मेरे को क्यों फोन करा? यार मदद कर दे, अपने आप निपट, मेरे को क्यों फोन? लेकिन मार रहे हैं मेरे। पूछ तो सही, क्यों मार रहे हैं आपको? सारे विषय में गोल है, हिंदी में जीरो है, जीरो जीरो। हाँ सुना कोई पाठ आता है? दर्जी ने कहानी सुनाई मैंने, फिर मार दिया मुझे। हाँ क्या कहानी सुनाई? क्या सुनाया बता। मैंने बोला एक लड़की थी, एक लड़का था। हाँ। लड़के ने लड़की को आई लव यू बोला। अच्छा। फिर लड़की ने लड़के को एक झापड़ मारा, लड़के के नाक से खून निकला, बड़ा दर्द हुआ। दर्द ना कहानी खत्म। मार दिया, दर्द ना कहानी। ऐसा मानना चाहिए हिंदी में तो जीरो। हेलो, मेरे को डिस्टर्ब मत। गणित में गिनती सुना 1 से 10 तक। भाई साहब आप फोन नहीं देखिए, सुनिए गिनती। हाँ सुना यार, अभी तो 1, 2, 3। हाँ भाई साहब सुन रहे हैं आप? 4, 5। हाँ 7, 8, 9, 10, 11। 6 कहाँ गया? 6। हाँ 6 कहाँ गया? 6 तेरा पापा बोलेंगे। जब मैं गलत नहीं, सही बोल रहा हूँ क्या? 6 नहीं आ सकता, वो न्यूज में बताया था 6 के बारे में। क्या बताया था? वो कह रहे थे आज एक बस एक्सीडेंट में 6 की मौत हो गई। छह नंबर की मौत नहीं हुई, बच्चे गंदा बोलिए आप भी। वो बस तेरे ऊपर ना चढ़ी। एक मिनट, न्यूज में एक और चीज देखी थी मैंने। क्या देखी थी? बहुआ की फट गई और मास्टर जी ये देखो, ये कहते मेरे को अंग्रेजी भी नहीं आता। अंग्रेजी में बिल्कुल ही जीरो है। बता आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूँ। तेरा बाप भी नहीं जाएगा, बता के जा। इधर मैं जा रहा हूँ। इधर चला जाएगा तू? मास्टर मास्टर ये तो तू बता कर जाएगा भाई साहब। मास्टर से बात करा। मास्टर जी बात करिए। हेलो मास्टर, आई एम गोइंग की सही तो बोली थी पहली बार बच्चे ने कि मैं जा रहा हूँ। मैंने बच्चों के दांत तोड़े, दांत तेरा मैं एक एक चीज तोड़ दूंगा। मैंने सही बोला था, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तेरा बाप भी नहीं जाएगा, बता के जाएगा तू। इस गाने का मिलते बहुआ तरेगा आगे भी। सुपर हिट्स 93.5 FM बजाते रहो, गुड मॉर्निंग। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात, हाथ हटाए। फोन मिलाया तुमने? मेरे घर फोन कैसे किया? तुम्हारे घर बैलेंस था, कट दिया। मेरे को बताओ फोन मेरे को किस लिए मिलाया है? आज मैं कह गया हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बताया नहीं आपको? हाँ तो क्या, किस लिए? किस लिए क्या बात है? ये लेडीज गुस्सा कर दी मुझ पे। अपना निपटो ना, मेरे को क्यों कॉल मिलाया है? क्यों निपटो? एक सेकंड रुकिए, आप इंसानियत के नाते मदद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे लेडीज, एक सेकंड सर, आप प्लीज रुकिए जरा। हाँ बताइए। ओ लड़की बोली तो रुक गया मदद के लिए। तो तू जब कहेगा तब रुकूंगा क्या? तब ठीक है ठीक है। आपको पता है भाई साहब, इसने मेरे घर पे फोन करके कितनी गलत बात बोली है?
क्या गलत बात बोल, क्या बोला मैंने? मैं सुनिए, मैं क्लब गया था इसके पीछे डिस्को, हाँ तो वहाँ नाच रही थी। अरे जल्दी बोल आगे क्या। एक सेकंड, गाड़ी ठीक से चलाए आज? और ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये फोन ट्रैक पे खड़ा हुआ, गाड़ी बगल से गई। तू मुझको सुनिए सुनिए, जब ये नाच रही थी तो मैं इसके पास गया, फिर मैंने इससे कहा वुड यू डांस विथ मी बेबी, फिर इसने मुझे क्या बोला बताओ? मैंने कहा जल्दी बोलना, जल्दी हम सॉरी, मैंने कहा मैं बच्चे के साथ नहीं नाचती। देखो बच्चे के साथ नहीं नाचती तो सही बात है, बच्चे के साथ क्यों नाचेगी? क्यों नाचे? वही इसीलिए मैंने इसके घर फोन किया और खुशखबरी दी। कैसे खुशखबरी? ये मम्मी बनने वाली है बच्चे के साथ। अब बच्चा है मुझे भाई साहब। हाँ हेलो, आपने इसको गधा क्यों बोला? तो गधे वाले काम ही कर रहा है। आपकी तमीज है कि नहीं है? गधा बोल रहे हैं, गधा बोल रहा है बच्चे को। आप होते कौन है? हेलो मैडम, मैं आप ही की हेल्प कर रहा हूँ और आप मेरे पे चढ़ रहे हो। सुनिए मेरी हेल्प मत करिए, बहुत है मेरी हेल्प के लिए, तुझे चाहिए ऐसे? अरे अजीब पागल, एक तो मेरे पास फोन मिला के मेरी हेल्प मांग। अजीब अजीब मत बोल, आप कर रहे हो? ए मेरे से बात करती हूँ। अबे ओए तू तो फोन काट, कहां फोन कर रहा है? फिर बोल दे जल्दी, एक सेकंड रुको। ओए कहां से आवाज आ रही है? वही है, फोन वाली गाड़ी वापस आ रही थी जहां गई। तू तो तू जैसे मुझको समझ आ रहा है अब। एक मिनट, मेरे को बेवकूफ बोला अब तुमने? उसको बेवकूफ बोला ऊपर से? तू दोनों बेवकूफ हो। सुनो ये क्या फिर से फोन की गाड़ी? गाड़ी तेरी लूंगा फोन। हाँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रौनक, और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आप लोगों का स्वागत है। पूरे हफ्ते का हाल आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन आप जैसे दोस्तों को देखकर मन में ख्याल आता है कि कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, जी करता है उन्हें जमीन में गाड़ दो। आगे बढ़ते हैं। वैसे जमीन से जुड़े हुए ये दो लोग लालू जी और बाबा रामदेव जी, ये दोनों आपस में जब मिले तो कुछ ऐसी पंक्तियां निकली कि बाबा जी क्रीम मलते हैं, लालू मन में हैं मुस्काते, अरे चारा जल्दी हजम होता चूरन बाबा जी का खाते, अरे सीएम सर पीएम सर की डिग्री के पीछे क्यों पढ़ते हो, अरे दिल्ली में 44 डिग्री एक और डिग्री क्यों चाहते। आगे बढ़ते हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी इसलिए अपना डिग्री छुपा रहे हैं, शायद उनको मैथ्स में कम मार्क्स मिला। अरे अगस्ता के चक्कर में रोज नई खबरें अब आनी हैं, और पहाड़ी आग में बरसाता हेलीकॉप्टर पानी है। तो एक तरफ हेलीकॉप्टर पहाड़ों में जो आग लगी है वहां पानी बरसा रहा है, और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर संसद में लोगों के आंखों से पानी बरसा रहा है। अरे अगस्ता के चक्कर में रोज नई खबरें अब आनी है, पहाड़ी आग में बरसाता हेलीकॉप्टर पानी है, अरे सुमन अध्ययन ने कंगना को भूतों की रानी कह डाला, और बात ये सुन बिपाशा मन ही मन गुस्सा हो जानी है, बिपाशा मन ही मन गुस्सा हो रही है कि मेरे होते हुए उन्हें भूतों की रानी कैसे कहा अध्ययन सुमन ने। और वैसे भी एक बार एक ब्रोकर के साथ घर देखने गई बिपाशा बसु, ब्रोकर ने कहा मैडम इस घर में एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। बिपाशा ने पूछा क्या? ब्रोकर ने डरते हुए कहा इस घर में भूतों का साया है। बिपाशा ने बोला और बुरी बात क्या है? तो बात ये सुन बिपाशा मन ही मन गुस्सा हो जानी है, शादी के बाद भानगढ़ की दो ठो इन टिकट कटानी है, के अब मैं बंद करता हूँ वरना चुड़ैल मुझ पे चढ़ जानी है। 93.1 For regular fun updates, subscribe Radio Prank Calls Now. हेलो, हेलो, हाँ भाई, नमस्ते अंकल, कौन बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रही हूँ। बोल भाई। जी मैं कंपनी से बोल रही हूँ, आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए पेन और पेपर के लिए। क्या जानकारी चाहिए? ये नंबर आपके नाम पे है? हाँ मेरे नाम पे है। अच्छा क्या नाम है आपका? रमेश बोल रहा हूँ। अच्छा अमिताभ बच्चन भी होते तो क्या कर लेते? तो बैठा। अजय नहीं अजय नहीं। हेलो अजय,
ये फोन का चिड़े अंकिल घेर लगा देते ना चिड़े ये जानकारी पूरी नहीं हो जानकारी तो दे दो कंप्लीट करिए आग पेपर पर लिख दो आपके घर पर कितने लोग हैं मेरे घर पे मम्मी है पापा है अच्छा कोई है जिसकी शादी नहीं हुई मेरी ना हो रही शादी नहीं हुई अच्छा करवाएगा क्या नाम है आपका रमेश बोल रहा हूँ बताए रमेश हाँ तो अमिताभ बच्चन भी होते तो क्या कर दिले अमिताभ बच्चन भाई साहब भैया जानकारी एक आखिरी जानकारी तो आपके घर में कोई गाड़ी है गाड़ी ना मोटरसाइकिल चला रहा बता मोटर कौन चलाता है हाँ मैं चलाता हूँ क्या नाम बता देते मेरा नाम रमेश है रमेश अमिताभ बच्चन भी होते तो क्या कर लेते आप घंटे को बोलियो हेलो आप थोड़ा अलग करते एक मिनट उठाइयो हेलो 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 जी बोलिए अरे क्या गंदा बोल रहे हैं आप मैडम मैं तो कुछ गंदा नहीं बोल रहा जी मैं जी फोन इसी नंबर से आ रहा है तो तीन बार फोन आया मेरे पास नमस्कार मैं रजनी बोल रही हूँ हाँ जी बोलिए ये क्या गंदा बोल रहे हैं मैम सॉरी मैं आपको ये नंबर आपका ही है ना हाँ मेरा ही है मैम बोलिए अच्छा क्या नाम है आपका हाँ मैडम रमेश है बताओ एक मिनट बात करिए हाँ जी अच्छा ए रमेश हाँ रमेश बोल रहा है भाई अमिताभ बच्चन भी होते तो क्या कर लेता हेलो हेलो हाँ भाई नमस्ते अंकल कौन बोल रहा है जी मैं बउआ बोल रही हूँ बोल भाई जी मैं कंपनी से बोल रहा हूँ आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए पेन और पेपर के लिए क्या जानकारी चाहिए ये नंबर आपके नाम पे है हाँ मेरे नाम पे है अच्छा क्या नाम है आपका रमेश बोल रहा हूँ इस वक्त मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे इमोशंस होते थे आजकल के गानों में ना लॉजिक है ना मतलब है ना इमोशंस और कुछ कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है इस पर बउआ ने क्या किया जड़े सुनते हैं गुड मॉर्निंग हेलो यू कैन फॉरवर्ड दिस डिटेल टू मिस्टर शर्मा ही प्रोबब्ली विल गेट बैक टू मी ऑन दिस ओके हेलो आस्क हिम टू कॉल मी ऑन मंडे ठीक है हेलो यस इज दैट ख्याति यस हाय ख्याति दिस इज अंकुर कॉलिंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड ओके This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have... Okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah, hello? Hello? Yeah, hi. Hi. Is it Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. Achha, okay, bataiye. Why are you laughing? Executive, aapka awaaz bada ajeeb sa. Aapka nahi, it's aapki awaaz. Yeah, whatever. So whatever it is. This is no. Don't get into the awaaz and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, aage bolye. Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. Hindi country mein rehke angrezi mein bolengi. What kind of person you are? Arey yaar, to option hi kyu de rahe ho? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say, "Thik hai." Thik hai, bhai. Thik hai. Aap aage bolye, please. Your father's name, Kathy? Mr. Umesh. Okay, your mother's name? Mrs. Pushpa. Your brother's name? Divyansh. Some other's name? What? Sorry, sister's name? Sorry. No, sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? Papa ke side wale grandpa? I mean, are you sure you want to? Yes, please, I'll tell you later on. Why do we need such details? Hame ye detail kyun chahiye? I'll tell you in some time. Dada ji ka naam? Mr. Shekhar. नाना जी का आई एम रियली सॉरी बट आई एक्सप्लेन इट टू यू नाना जी का नाम प्लीज मिस्टर हरिलाल मिस्टर हरिलाल ओ हरी एंड लाल मतलब ग्रीन एंड रेड बोथ आर यू आउट ऑफ योर माइंड नो दिमाग तो ठीक है हुआ है आपका बॉयफ्रेंड एक सॉरी लास्ट इसी में जाए तेरा कंप्लेंट नंबर में ले ले अपना लुक एट द वे यू आर अब्यूजिंग द क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल तेरी क्वालिटी क्या है दिख रही है बकवास इतनी तरह से सॉरी आर यू मैरिड क्या करेगा जान के डिटेल चाहिए आर यू मैरिड लास्ट टू डिटेल्स आर यू नॉट यू आर नॉट मैरिड
डू यू हैव बॉयफ्रेंड? हाँ है, बता उसका नंबर दू, ऐसे ऐसे कर देगा तेरी आगे। डोंट मिस विद जोहान, सॉरी बउआ। पता नहीं क्या लोगों का काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर रहा है? बोल रही कम अगेन, क्या काटने के लिए? जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के। आपके नाना जी हरिलाल जी, कभी बॉयफ्रेंड को हरिलाल बुलाया? यस और नो? नहीं बुलाया। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, आर यू देयर ऑनलाइन? यस आई एम ऑनलाइन, जो बोलना है जल्दी मुझे बोल। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं। लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, नो मैंने बिंदी ना 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 ना। देख। Oh my God! What? यार मैं गधा। गधा बोल रही है? एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने। आपकी किस में वो मेनू कहती है हरिलाल हरिलाल? फोन रखो। मेरा जवाब है हरिलाल हरिलाल। ओके भाई। Subscribe Indian Prank Army for more updates. हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं मैंने तुमको। हो जाएगी भाई पहचान, हो जाएगी। दो मिनट चाहिए था आपका। नहीं यार टाइम नहीं, बाद में कॉल। भाई दो मिनट भाई, सॉरी दो मिनट, ओनली टू मिनट। चल बोल जल्दी फिर। आलस। क्या आलस? आलस आदमी का शत्रु होता है। नहीं होता भाई, क्यों होता है? नहीं होता ना, क्यों होता है? आप भी आलसी हो क्या? और क्या भाई, सारे आलसी होते हैं। सब चाहते हैं यार कि बैठा रहे, काम कोई और करता रहे, पैसा हमको मिलता रहे। अच्छा कोई और करे और पैसा आपको मिले हैं? और क्या, तो आप वो टॉयलेट खोल लो ना, कोई और करेगा पैसा आपको देगा। खोल ले टॉयलेट, खोल ले। आप ही बोल रहे हो भाई कि मेरे पे गुस्सा कर रहे हो उल्टा। वाले ढंग का काम होना चाहिए। सुनिए मेरी भाई, ठीक है? तीन लड़के थे, इतने आलसी थे, एक दिन खाना खा रहे थे। अच्छा। खाने में नमक कम था। अच्छा। फिर एक ने बोला यार जा नमक ले आ। अच्छा। उसने कहा नहीं यार मैं नहीं जाता, तू ले आ। तीसरे, क्योंकि तीनों आलसी थे, कोई जा नहीं रहा था। अच्छा। नमक लेने के लिए। अच्छा। तीनों बैठे हुए थे, फिर तीनों ने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा नमक वही लाएगा। अच्छा। फिर तीनों बैठे रह गए, बैठे रह गए, बैठे रह गए, खाना ठंडा हो गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, भूख के मारे बेहोश हो गए। जल्दी बोले ना। सर यहाँ तीनों बेहोश हो गए तो पड़ोसियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं। तीनों को उठा के चिता पे लगा दिया उन लोगों ने। अच्छा। तो पहले को जैसे आग लगाने गए, वो उठ के बैठ गया, कहता है यार अरे मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा। फिर पता बाकी दो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तू उठ गया ना, जा नमक लेके आ जा। बच्चे तेरी को भी गंदा बोले रहा भीड़ भी। चल एक एक कहानी मैं तेरे को सुनाता हूँ। कौन सी? आलसी वाली? हाँ आलसी वाली मैं सुनाता हूँ। हाँ सुना सुना। एक बार एक बंदा होता है, हाँ, वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। अच्छा। उससे ना पेड़ से जामुन गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। हाँ। उसको जामुन खाने भी होते हैं पर वो पेड़ से भी गिरते रहते हैं, उसको उठाने का मन भी नहीं करता, इतना आलसी होता है। इतना आलसी होता है, ठीक है। तो साथ में से एक बार एक बंदा जा रहा होता है। हाँ। तो उसको कहता भाई खिला दे जामुन। हाँ। तो जामुन वो क्या कहते हैं उसको उठा के खिलाने लग जाता है। हाँ। वो उसके मुंह में डाल देता है एक जामुन करके। फिर वो आदमी जब जा रहा होता है तो कहता उसको घुटनी तो निकाल दे। इतना इतना आलसी होता है यार। तेरा जोक थोड़ा घटिया था लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। मेरा घटिया, तेरा बढ़िया। तू तो गुठली, उसने गुठली निकाली कि नहीं जामुन की? हाँ गुठली निकाल दो, थ्री डाल। आलसी आदमी तू, इतना आलसी की तू फोन भी नहीं काट रहे। चल मैं काट। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आवाज आपकी कट रही है जी। अब क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है यार, क्यों बोल दिया? दो मिनट चाहिए। डगलस। आई एम डगलस, मैं फ्रॉम शाकरा। तूने उसको बड़ा कर दिया ना? हाँ, इन फैक्ट इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। आई एम डगलस फ्रॉम शाकरा का पोवा। मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की टोंड। अरे इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शकरा का पौवा। क्या कर लगा बहुआ आपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल। अच्छा। ये रुक गया है, पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब से ही मूलता कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है।
लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। He's weird man, seriously। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड में बताना, 20 है, 20 है बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अब टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है, बॉल अपने आप ही बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए, सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार, टाइम लग लगला। ई फॉर डी फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है, हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं, और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है, अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर आपका नाम? आज बबुआ से कहा कि जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो पूरे देशवासियों ने टीम इंडिया की खिंचाई भी करी थी और उनके मजे भी लिए थे, लेकिन टीम इंडिया की हार का असली कारण क्या था ये बबुआ ही पता लगा सकता है। बबुआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो, हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? जी मैं बबुआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? इस चीज के लिए जिसका नाम है एक बहुत बड़ा मुकाबला, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पराजय झेल कर। अरे किसको फोन लगाया था ना, किस पे? एक सेकंड, हिंदुस्तान वापस आ गई भारतीय टीम, इस पर बात करने के लिए नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट साथ में से। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें को फिर से। और हमारे साथ भाई साहब, हेलो बोलिए। हेलो, जनता की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अरे किसका चर्चा, कौन सा? हम चर्चा कर रहे हैं कि टीम हारी क्यों। एक सेकंड बैरागी जी, देखिए जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग पहले से ही कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन की वजह से टीम हारी है। जी, कंफ्यूजन ये थी कि पब्लिक को मालूम ही नहीं था कि सपोर्ट किसे करना। आप कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं गया, ये बैरागी जी ये बोल रहे हैं भाई साहब। ब्रेक के बाद स्वागत है। और क्या सपोर्ट नहीं मिला, हम छुट्टी लेके बैठे टीवी के सामने चिल्ला रहे इंडिया इंडिया मान रहा है। बुड्ढे हद है, मतलब बात सुन लीजिए, पहले तोड़ फोड़ पे पहले आ जाती है जनता। एक सेकंड बैरागी जी, क्या सपोर्ट नहीं था, कैसे कंफ्यूज हो गई जनता? सपोर्ट था लेकिन सपोर्ट बट गया तीन भागों में। बड़ा खुलासा, सपोर्ट बटा कैसे? देखिए टेलीविजन पर कुछ लोग देख रहे थे मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई साहब, हाँ हाँ बोलते रहिए। बोल। और दूसरे चैनल पर आप देख रहे थे इंडिया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और रेडियो पर आ रहा था हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भीड़ रहा है, भीड़ रहा है। तो भारत का मैच था, इंडिया का मैच था या हिंदुस्तान का? यहीं पर पब्लिक कंफ्यूज हुई और नतीजा आपके सामने। अब बताइए क्या किया जाए, जनता क्या चाहती है इस पे? बैरागी जी से कोई सवाल है आपका? सवाल बताइए अपना बेटे। बैरागी जी आप कब मिलोगे, आपकी छोड़नी है मुझे पहले। क्या कह रहे हैं बैरागी जी? कम पढ़े लिखे लोगों को मत लिया कीजिए दरख्वास्त। अरे तुझे पता भी है सारे कम पढ़े लिखे खुद, इस बड़े मुकाबले में आज इतना ही। काट दिया फोन। थैंक यू बैरागी जी, थैंक यू सो मच, बुलाते रहो।